प्रभु तुमको रिझाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ मोरे मुकुट तेरे शीर्ष पे सो है मोरे मुकुटी तेरे शीर्ष पे सो है प्यारी बंशी मुनि मन मोहे प्यारी बंशी मुनि मन मोहे देख जगे बलिहारे जाओ देख जगे दास के
जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंश कल्पतरु तड़ेद्युति विनंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ का आज अष्टम दिवस यानी कि अंतिम दिवस प्रारंभ करते हैं। बड़ी धूमधाम से बड़े प्रेम से हम लोगों ने मेरे गोविंद का श्री विवाह महोत्सव स्नेह से मनाए। देखो द्वारिका में खुशियां मन रही हैं, आज लाला की शादी जो हो गई, रुक्मिणी जी के साथ में गोविंद द्वारिका पधारे और इतनी सुंदर उनकी झांकी लगती है मानो देवराज इंद्र महारानी सती के साथ में विराजमान हैं क्या। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना कामदेव श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के आया, उसका नाम हुआ प्रद्युम्न, प्रकृष्टः द्युम्नः प्रकाशः यस्य स प्रद्युम्नः, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसको प्रद्युम्न कहते हैं। प्रद्युम्न की मनस्थिति बड़ी उदार है, प्रद्युम्न की भावनाएं बड़ी निर्मल है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का बेटा है लेकिन जीवन में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के शत्रु भी तो बहुत होते हैं। भगवान के घर से उस बच्चे का हरण हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अपहरण हो गया, देखो प्रसूति का घर से बच्चा चोरी हो गया, राक्षस का नाम है संबरासुर और इसने ऊपर आकाश में जाकर के बच्चे को विमान से समुद्र में फेंक दिया। मछली निगल गई, मछली पकड़ी भी गई और संबरासुर के घर जो संगीत विद्या सिखाती थी एक देवी नाम है विद्यावती, विद्यावती से बोले बेटी देवी तुम ही इसका पालन करो, मछली के पेट में से निकला है बच्चा, मानव का बच्चा। अब वो उसका पालन करने लगी तो नारद जी ने आके कहा सुनो तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है ये तुम्हारा पति है, तुम हो पूर्व जन्म की रति और ये है तुम्हारा पति कामदेव। पूरी कथा नारद जी ने बता दी। जब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरि छारा, भगवान शंकर ने जब कामदेव को जला करके भस्म कर दिया तो काम की पत्नी तो बड़ी रोई, मेरे पति को मार दिया, मुझे विधवा बना दिया। भगवान शिव ने कहा बेटी अब यह तो मर गया, पर जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, द्वापरांत में यदुवंश में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारा पति कृष्ण का ही पुत्र बन करके आएगा, तो यही तुम्हारा पति है देवी और तुम हो रति। अब तो वो बेचारी विद्यावती गोद में ऐसे बच्चे को खिलाती और बोलती जय हो मारे पति देव जी, पति है बेचारा क्या करे। प्रद्युम्न जी को पता चला कि ये सब लीला है, शंबरासुर को ललकार लगाई, चंद्रमा की किरणों के समान बहुत जल्दी बड़े हो गए और शंबरासुर को मार करके पत्नी को लेके द्वारिका में आ गए। मेरे गोपाल के 16,000 बाबू लाल जी,
भगवान जो है ना वासुदेव श्री कृष्ण के 16,108 विवाह और हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। 16,108 तो एक विवाह तो कल बताई दिया था हमने, 16,107 और हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। इतने परिणय। बोले महाराज कैसे हुए? बोले भगवान का पहला विवाह तो माता रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ और श्री गोविंद का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के संग। लो कर लो बा भालू भालू रीच देख लो, रीच की बेटी भगवान की पत्नी। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये ऋक्षराज कोई साधारण नहीं है, भगवान राम जी के भक्त जो जाम्बवंत जी महाराज है ना, इन जाम्बवंत जी की बेटी का नाम है जाम्बवती। ये महारानी जाम्बवती कृष्ण की द्वितीय पत्नी बनी। द्वारिका में एक राजा आकर के निवास करने लगे, नाम है सत्राजित, उनकी बेटी का नाम है सत्यभामा। ये कृष्ण की तीसरी पत्नी बनी। हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, टाइम लग जाएगा, पूरा बताएं तो एक भागवत और करनी पड़ेगी। हाँ, भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ कालिंदी यमुना के साथ में। मेरे गोविंद की चतुर्थ पत्नी है कालिंदी यमुना, और बिंद अनुबिंद की बहन जो मित्र बिंदा है मेरे गोविंद की पांचवी पत्नी बनी। नग्नजित राजा की बेटी नाग्नजिति जो सत्या है ना नाग्नजिति, ये कृष्ण की छठवीं पत्नी बनी। राजा देवी की बेटी भद्रा सातवीं, और मध्यदेश के महाराज की भार्या है लक्ष्मणा ये आठवीं, मध्यदेश के राजा की बिटिया है लक्ष्मणा ये आठवीं पत्नी बनी। इस प्रकार मेरे गोपाल के आठ विवाह हो गए, अष्टपटरानी कहलाई। अष्टपटरानी का मतलब है गीता में आता है ना, वो मेरा पुन लो बायो खम मनो बुद्धि रे बच अहंकारी तीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भैया ये आठ प्रकार की प्रकृति होती है, और देखो प्रकृति के बस में रहे वो जीव है, और प्रकृति को बस में जो रखे वो ईश्वर है। हम लोग प्रकृति के बस में हैं, है कि नहीं? कभी झुर्रियां पड़ जाती हैं, कभी कमर झुक जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, फिर केस काला लगाते फिरते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हैं? चश्मा लगाते हैं, दिखता कम है, ये प्रकृति के नियम है, तुम कितने ही लगा लो वो होने तो होगा ही। तो आठ प्रकार की प्रकृति के बस में हम लोग हैं, और प्रकृति परमात्मा के बस में है, इतना ही तो अंतर है। प्रकृति है भगवान के बस में और हम हैं प्रकृति के बस में। अष्ट प्रकृति मेरे गोविंद की अष्ट पटरानी है। भौमासुर राजा को मार करके भगवान वो अन्याय के द्वारा जो भौमासुर लेकर के आया, इतनी राजकुमारियों का हरण करके लाया, 20,000 हो जाएंगे तो शादी करेंगे संकल्प था, उन 16,100 राजकुमारियों को कृष्ण अपनी भार्या के रूप में लाए, नहीं तो कोई शादी तो करता नहीं, दूसरे के कारागृह में बंदी बन करके रही, कौन करता विवाह? भगवान ने उनको मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्रदान कर दिया, और सौ प्रकार के जो पवित्र उपनिषद हैं, कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करने वाले मेरे गोपाल की 100 पत्नियां हो गई। तो 16,000 वेद के उपासना कांड के मंत्र श्री कृष्ण की 16,000 पत्नी, और 100 प्रकार के उपनिषद श्री कृष्ण की 100 पत्नियां, और 8 प्रकार की जो प्रकृति है वही गोविंद की अष्टपटरानी है। बोलो जय श्री कृष्ण। वास्तव में तो भगवान का कोई विवाह होता ही नहीं, और वैसे देखो तो भगवान सबके पति हैं। अब देखो गौर से हम यदि जाने तो क्या हमारे पति भगवान नहीं है? अरे भाई पापि लोकम इति पति, जो दुनिया का पालन करे उसको पति कहते हैं, जो संसार का पालन करे वो पति। और बताओ क्या हमारा पालन प्रभु नहीं करते? वो आपके पतियों के भी पति तो गोविंद हैं,
गोपी राम तत्पति नाम च सर्वेशाम एवदेही नाम भागवत में वर्णन आता है कि भगवान गोपियों के पति तो है ही, गोपियों का पतियों का पति भी तो भगवान है, पालन करने वाले को भी हम लोग पति ही तो बोलते हैं, तो सबके पति जगत दाता श्री कृष्ण है। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाहों का यही एक आध्यात्मिक तात्पर्य है। बड़े आनंद से भगवान द्वारिका में अपनी पत्नियों को लेकर के पहुंच गए हैं और देखो सबके प्रति एक जैसा भाव है, किसी के मन में ये न आ जाए कि हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं इनसे कम प्रेम, ना 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 ना, मेरा मुरलीधर तो सबके प्रति एक दृष्टि रखता है, इसलिए कभी विवाद नहीं होता पत्नियों में, कभी आपस में कोई मनोविनोद नहीं होता, सभी प्रसन्न रहती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि दुनिया के दरबार देख लो तुम, पर ऐसा दरबार कहीं मिलेगा ही नहीं, मेरे मुरलीधर जैसा दरबार बताओ किसका हो सकता है, है? ये ऐसा दरबार है, किस दरबार में सबको सुख मिलता है, सबको प्रभु गले से लगाते हैं, यहाँ सुदामा को सम्मान मिलता है, सबरी के बेर खाते माँ कह कहकर पुकारते हैं, भामिनी कहकर पुकारते हैं, सर्वंग ऋषि को गले लगाते हैं, कौल भीलों को भी आदर मिलता है, ऐसा दरबार दुनिया में किसी का है ही नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे पर ऐसा कोई तो कोई नहीं।
सबको आदर भी मिलता है। यही तो कृष्ण के दरबार का वैशिष्ट्य है। भगवान की पत्नियों में जो रुक्मणी देवी है ना, इन रुक्मणी जी को कभी क्रोध नहीं आता, ये उनका वैशिष्ट्य है। एक बार तो गोविंद ने इतनी विचित्र सी बात रुक्मणी को बोल दी कि कोई पति पत्नी को बोल ही नहीं सकता, फिर भी माता को क्रोध नहीं आया, वे मूर्छित हो गई। और भगवान के एक एक शब्द का बड़ा ही मार्मिक, बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोलो जय श्री कृष्ण। ये बहुत आवश्यक है और बहुत समझना भी चाहिए।
भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, उनके दो विवाह हुए। प्रद्युम्न के बेटा जो अनिरुद्ध हैं, अनिरुद्ध के भी दो विवाह हुए। पहला विवाह रुक्मी महाराज की पोती के साथ में, और दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में। उषा ने स्वप्न में कृष्ण के पौत्र को देख लिया था, चित्रलेखा को भेजकर चोरी से मंगा लिया। कृष्ण और शिव में भी बड़ा युद्ध हुआ था, अंत में वो विवाह करना पड़ा। भगवान अपने पुत्रों को समय समय पर उपदेश करते थे कि हेनस्ति विषमतारम बहुनिरद्धि प्रशाम्यति कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्पारणि पावक। बेटा, कभी भी ब्राह्मण के धन को हरण करने की चेष्टा मत करना। हेनस्ति विषमतारम बहुनिरद्धि प्रशाम्यति, ये जो विष को पीता है ना व्यक्ति, तो विष पीने वाला ही मरेगा। लेकिन कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्पारणि पावक, ब्राह्मण के धर्म का हरण करने वाला वो तो खानदान खत्म हो जाता है। कुलम समूलम दहति, इसलिए ब्राह्मण और संत का धन कभी रखना नहीं चाहिए। मिल जाए तो उसमें दो पैसे मिला के वापस कर दो। बोलो जय श्री कृष्ण महाराज। ब्राह्मण को तो देना चाहिए, लेना तो सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। उसके धन को कभी हरण करने की चेष्टा न करें। अब बच्चे लोग समझ नहीं रहे होंगे, तो हुआ क्या, भगवान ने एक लीला कर दी। कृष्ण के बच्चे खेलते खेलते जंगल में गए तो एक सूखा कुआं था एक जी। उस सूखे कुएं में एक बहुत बड़ा कृकलाश पड़ा है। कृकलाश बोलते हैं गिरगिट को, गिरगिट समझते हैं हमारे ब्रज में, उसको साथ करकेटा बोलते हैं ब्रज भाषा में। इतना बड़ा पड़ा था कुएं में, बच्चे दौड़े दौड़े आए, पिताजी कुआं में इतना बड़ा जंतु पड़ा हुआ है। कृष्ण बोले मैं चलता हूँ, चलो। कन्हैया ने देखा और अपना एक चरण लंबा करके उसको जैसे छुबाया तो उसमें से राजा प्रकट हो गया, बड़ा सुंदर राजा बन गया। भगवान तो अपने बच्चों को उपदेश देना चाहते थे, पूछने लगे कौन है भाई जी आप, ये गिरगिट बनकर क्यों पड़े थे। बोले नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशन्। मैं इक्ष्वाकु का बेटा हूं महाराज, मेरा नाम है नृग, राजा नृग। हुआ क्या, मैंने जीवन में दान बहुत किया, मैं गौदान बड़े प्रेम से करता था, हजारों गायों का दान रोज करना मेरा संकल्प था। ब्राह्मण कई प्रकार के होते हैं, एक ब्राह्मण होता है याचक ब्राह्मण, दूसरा होता है अयाचक ब्राह्मण। याचक और अयाचक है, अयाचक ब्राह्मण वो होते हैं जो किसी से कुछ मांगते नहीं, जैसे सुदामा जी। सुदामा ने जीवन में किसी से कुछ मांगा ही नहीं, भगवान से भी नहीं मांगा। हाँ, और एक होते हैं याचक ब्राह्मण जो मांग लेते। अब राजा कहते हैं कि मैंने हजारों गाय दान करी, किसी अयाचक ब्राह्मण की गाय जो उसके अपने परिश्रम के धन की खरीदी हुई गाय थी, वो गाय आकर के मेरी गायों के झुंड में मिल गई, मुझे पता नहीं। अब मैंने दूसरे दिन जब गऊ दान करी तो अपनी गायों में पंडित जी की गाय भी दूसरे पंडित जी को दान कर दी। अब बेचारे वो पंडित जी ढूंढने निकले मेरी गाय कहाँ गई, तो जिन पंडित जी के यहाँ गाय गई थी उनके यहाँ वो पहुंच गए। बोले साहब आपकी गायों में ये गाय तो मेरी है। पंडित जी बोले हम तो राजा नग ने दिए, अजी नग आपको कैसे दे सकते हैं, ये तो मेरी गाय। तो उस गाय को लेकर दोनों पंडित जी मेरे पास आ गए। मुझे करना क्या चाहिए ये कह देना था, महाराज जी गलती हो गई होगी, ऐसा करिए अपने एक गाय के बदले आप चार गाय ले जाओ, और आप चार नहीं लेते तो पंडित जी आप इनकी गाय वापस कर दो, उसके बदले चार गाय आप ले लो, बात खत्म। दोनों ब्राह्मण जब विवाद से कर रहे थे तो मैंने क्रोध में अभिमान में भर के बोल दिया, क्यों झगड़ा करते हैं आप लोग, अरे सा हमारी गाय इनके यहाँ पे आ गई। कोई गाय बाय नहीं आपकी, आपकी गाय
सब गाय तो हमारी होती है। नहीं राजन, मेरी गाय थी और तुम्हारे यहां भी मेरे ही घर से गई होगी, सबको दान तो हम ही देते। इस बात को सुनकर वो तपस्वी ब्राह्मण थोड़ा क्रुद्ध हो गया, बोले गाय की सेवा इन पंडित जी के घर भी होती, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, पर तुम राज्य की गद्दी पर बैठ करके अधर्म का पालन करते हो, और मैं कह रहा हूं कि मैंने जीवन में कभी दान नहीं लिया, मैं अयाचक ब्राह्मण हूं, तो मेरी गाय को तुम अपनी गाय कैसे मान सकते हो, और मानकर तुमने दान कर दी, गलती मानना तो दूर रहा, तुम हमें शिक्षा देते हो, मैं श्राप देता हूं तुम गिरगिट हो जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। सुमारा एक मिनट में गिरगिट होकर तभी से कुएं में पड़ा हूं, लेकिन मैंने जब उनसे प्रार्थना की तो उस करुणा में ब्राह्मण ने कहा, गिरगिट तो तुम बनोगे पर भगवान का तुम्हें दर्शन होगा, उनका अंग स्पर्श होगा और तुम मुक्त हो जाओगे। महाराज आज वही हुआ है, यदि वह प्रसाद न देती तो कैसे काम चलता। मेरे गोविंद ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, देखा तुमने, गलती से इसने ब्राह्मण के धन को अपना मान के दान किया, गिरगिट बन के पड़ा है। बेटा कभी मत करना ऐसा, ब्राह्मण संतों का धन ना। गंगा जी को नहाए वो। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे गांव में एक बूढ़े बाबा बोलते थे, वो चौधरी जी थे, तो कहते थे, गंगा जी को नहाए वो, विप्रन को व्यवहार, पार जाए तो पार है, डूब जाए तो पार। गंगा जी का स्नान और ब्राह्मण को देन लेन करना। पंडित जी को आपने कुछ उधार पैसे दे दिए, मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल गए तो बोलो महाराज जी हमारी तरफ से दान रखो आप। बोलो जय श्री कृष्ण। गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, पार हो गए तो पार है, डूब गए तो भवसागर से पार है। बोलो जय श्री कृष्ण। गंगा जी में पार जाना भी पार है, डूब जाना भी पार है। ब्राह्मण को कुछ द्रव्य दिया, मिल गया तो भी कल्याण है, नहीं मिला तो डबल कल्याण है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं कहीं कथा कर रहा था बिहार में, तो बेचारे कलकत्ते से बहुत लोग आए थे, और कलकत्ते के लोगों ने वहां अपनी मिल में, शुगर मिल है उसके फुटबॉल ग्राउंड में कथा थी, तो वैसे उन लोगों ने आगे बनवाया था विशेष लोगों के बैठने का, और आरती में तो जनता सब घुस ही जाती है। इस बार मुझे बहुत खुशी हुई, कृष्ण जन्म वाले दिन कोई अनाउंस नहीं हुआ, कोई कहते हमारा बटुआ खो गया, कोई कहते चरण पादुका चली गई, क्योंकि माताएं बहने तो आनंद उत्सव में खूब नृत्य करती है। अब आपकी बगल में कौन आके बैठ गया क्या पता चलता है, कई बार कोई गले से लत तोड़ के ही चले जाते, तोड़ भी ली रख भी ली और आपके संग नाच रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो बेचारे सेठ जी कर रहे थे ऐसे आरती, पश्मीना की बहुत बढ़िया चादर 25,000 की खरीदी थी, अब वो चादर उनकी गिर गई और कोई ले गया होगा, अब बड़ा टेंशन महाराज। हाँ, शाम को भोजन वोजन करने जब मेरे पास में बैठे, बोले ठाकुर जी एक बड़ी चिंता है मैंने, कि क्या। बोले आज ही मैंने नई चादर निकाली थी पश्मीना की महाराज, खरीद के लाया था कि ठंडी है तो पहनूंगा, और वो चादर कोई ले गया। हमने कहा कब। बोले आरती के समय गिर गई, कोई ले गया। तो मैंने कहा जल्दी पानी लाओ। क्यों तुम लाओ तो सही। पानी लेके आया, मैंने उनके हाथ में जल छोड़ा और मैंने कहा संकल्प करो। बोले काय का संकल्प। मैंने ये संकल्प करो कि जिसको भी वो चादर मिले भगवान उसका कल्याण करे। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे तो तुम दान करते कि नहीं करते, पर ऐसे तो दान हो ही गई। अरे नारायण के रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में कौन आ गया ले गया, बेचारा ओढ़ेगा कल्याण होगा उसका। अरे महाराज मैं तो सोच रहा था आप कुछ बताएंगे चादर मिलने का उपाय, आपने तो दान और करवा दी। अरे हमने कहा भाई इस बहाने भी दान कभी कभी हो जाता है। हाँ, तो मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि ब्राह्मण के धन को कभी हरण करने की चेष्टा मत करो। भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, जितनी शक्ति है ब्राह्मण को दान करो, संतों को दान करो, उनका धन कभी लेते नहीं बेटा। कृष्ण के बेटे बोले पिताजी हम कभी नहीं ऐसा करते और आगे और ध्यान रखेंगे। हाँ, इसीलिए मैंने तुमको ये बताया, अपने जीवन में समय समय पर बच्चों को उपदेश करो, धर्मनीति का उपदेश, कभी राजनीति का उपदेश, कभी व्यवहार नीति का उपदेश, और यह उपदेश बड़ा जरूरी होता है, उपदेश बड़ा आवश्यक होता है।
बच्चे माने थे, नारद जी दर्शन करने के लिए आए और भगवान का दर्शन करने पधारे। मन में सोचा हम तो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं, एक शादी भी नहीं करी, कौन चक्कर में पड़े, इतनी पत्नियों के संग मेरे कन्हैया रहते हैं, कभी विवाद तो हो जाता होगा। सो नारद जी भगवान की लीला देखने के लिए पधारे और सबसे पहले रुक्मणी जी के भवन में आए तो द्वारिकाधीश रुक्मणी के साथ महल में विराजमान थे। लिखा है नारद जी को आते देखकर भगवान खड़े, ओहो संत नारद पधारे, पधारो महाराज, स्वागतम, देवी रुक्मणी जल लेके आओ, महाराज का चरण धोना है। रुक्मणी जल डाल रही है, भगवान चरण धो रहे। नारद जी बोले कैसे चरण धोए जा रहे हैं मेरे, कब चरण धोए, आरती करी, चार लड्डू रख दिए, भोग लगाओ महाराज, संतों के आने से घर पवित्र हो जाता है। नारद जी दूसरे भवन में गए, वो भवन था जाम्बवती जी का, तो जाम्बवती के साथ में कृष्ण वहां भी बैठे थे और नारद जी को देखते ही आइए आइए पधारिए, बड़ी कृपा, ओहो बड़ी कृपा, चरण धोए, आरती करी, लड्डू भोग रख दिए। अब महाराज अब परिस्थिति ऐसी बन गई कि तीसरे भवन में गए और वो भवन था सत्यभामा जी का, ओहो हो संत नारद बड़ी कृपा, चरण धोए, आरती करी, पूजा करी, आनंद मनाया, लड्डू भोग रखा। नारद जी बोले तो हर भवन में अलग अलग रूप में बैठे, चौथी पत्नी कालिंदी है वहां गए तो वहां भी भगवान बैठे थे, कालिंदी के संग पधारे, स्वागतम, चरण धोए, आरती करी, पूजा करी, लड्डू भोग रखे। नारद जी बोले इसका मतलब तो ये हुआ कि 16,108 भवनों में ये अलग अलग रूप में मुझे दिखाई देंगे, प्रत्येक भवन में यदि हम ऐसे ही अपने चरणों को धुलाते चले गए तो हमारे तो पांव ही घिस जाएंगे, और ज्यादा नहीं दो दो लड्डू भी खाए मैंने मान लो तो कितने होते हैं 32,216 लड्डू, बापरे इतने लड्डू कोई खा सकता क्या, पर मुझे देखना तो जरूर है, अंदर नहीं जाऊंगा, अब खिड़कियों में से देखता चलूंगा। नारद जी ने देखा किसी भवन में भगवान प्राणायाम कर रहे हैं, तो किसी भवन में योगासन कर रहे हैं, किसी भवन में देखा भगवान उछल कूद कर जो क्या बोलते हैं जोकिंग कर रहे हैं, हाँ जोकिंग कर रहे हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, हाँ किसी भवन में देखा कि भगवान जल विहार कर रहे हैं, नहा रहे हैं, किसी भवन में देखा बच्चों के संग खेल रहे हैं। देखो स्वामी विवेकानंद महाराज ने एक ग्रंथ में लिखा, मैंने पढ़ा कि जिन बुजुर्गों को लंबी जिंदगी जीनी हो उसको कम से कम एक घंटा रोज बच्चों के संग खेलना चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। ये बुजुर्ग लोग बालकों के संग में खेले ना तो उनमें एनर्जी आती है, बड़ी क्षमता आती है, हाँ एक ऊर्जा बच्चों से मिलती है। कहीं देखा भगवान गौ माता को अपने हाथ से नहला रहे, गायों को चारा अपने हाथ से खिला रहे, और एक भवन में देखा भगवान सभा में बैठे, महामंत्री कलम कागज लेके बैठे, हाँ जी क्या कहना चाहते हैं आप, बोले साहब मेरे वहां पे ऐसे हुआ था, इनकी समस्या नोट की जाए, समाधान होना चाहिए, आप बोलिए, सबकी समस्याएं सुन रहे हैं, महामंत्री लिखते जा रहे हैं। किसी भवन में माता पिता के चरणों में कृष्ण प्रणाम कर रहे हैं, किसी भवन में देखा उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, राजनीति की शिक्षा दे रहे हैं, किसी भवन में देखा अपने बड़े बच्चों के साथ में बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं, भाई वो पड़ोसी राजा जो है थोड़ा आंखें टेढ़ी करने लग गया, थोड़ा सावधानी रख, किस राजा का हमारे प्रति क्या भाव है, बच्चों के संग बात कर रहे हैं, बड़े बच्चों के संग। किसी भवन में देखा संत ब्राह्मण बैठे, भगवान अपने हाथ से भोजन परोस रहे, देखिए आप एक लड्डू तो लेना ही पड़ेगा, नहीं नहीं महाराज बोले नहीं नहीं अब थोड़ा लीजिए ना बहुत अच्छा है, ऐसे आग्रह कर करके भोजन करा रहे। 16,108 भवनों में 16,108 रानियों के साथ में अलग अलग लीला करते करते मेरे गोविंद को देखा। नारद जी को 3 महीने लग गए घूमते घूमते पूरे भवनों में डोले, और 3 महीने बाद जब रुक्मणी के भवन में आए नारद, प्रभु ने प्रणाम किया, पधारिए बड़ी कृपा, ओहो चरण धोए, आरती करी, फिर बोले कब पधारे आप। नारद जी बोले पधारा मैं गया ही कहां था, 3 महीने यहीं तो पधार रहा हूं, बहुत देर से मैं कहीं गया थोड़ी था, 3 महीने पहले इस भवन में था, सब में घूम के फिर यहीं आ गया।
नैवाद्भुतं त्वयि विभो अखिललोकनाथे मैत्रीं जनेषु सकलेषु दमक्खलानां निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां स्वैरावताय उरुगाम विदाम सुष्ठु। कोई आश्चर्य नहीं आपके लिए, पृथ्वी के कण कण में रहने वाला परमात्मा इतना रूप लेकर के बास करे, इसमें आश्चर्य क्या है। बार बार नारद जी ने प्रणाम किया, भगवान बोले मैं धर्म का वक्ता हूँ, अनुमोदन करता हूँ, तो समाज को शिक्षा देने के लिए बेटा मुझे कभी कभी लीला करनी पड़ती है। पुत्र माख दो, अभी चरण धो रहे थे, बेटा कह रहे चरण धोते समय नारद थे ब्रह्मचारी, कृष्ण थे गृहस्थ, और बेटा कहते समय नारद है पुत्र, भगवान है परम पिता। जरासंध के यहाँ से दूत आया, उसने 20,800 राजाओं को बंदी बना के रखा है। इधर पांडव लोगों ने नई राजधानी बनाई, उसी का नाम है इंद्रप्रस्थ, जिसको बाद में लोगों ने दिल्ली बना दिया। इंद्रप्रस्थ में पांडवों के यज्ञ के लिए कृष्ण पधारे और भीमसेन, अर्जुन, कृष्ण तीनों ब्राह्मण बनकर के गए, और भीम के द्वारा प्रभु ने जरासंध का उद्धार करा दिया। और सुनो, उसके मुकुट को लेकर के आए, यहाँ यज्ञ शुरू हो रहा है, राजसूय नाम का बड़ा अद्भुत विचित्र यज्ञ इंद्रप्रस्थ में चल रहा है। यज्ञ में सब लोगों ने सेवा बांट ली, हाँ ये सेवा हम करेंगे, ये सेवा हम करेंगे, ये सेवा हम करेंगे। भोजन भंडार की सेवा भीमसेन को मिली, और दान करने वाले भंडार की सेवा दुर्योधन और कर्ण को मिली, क्योंकि कर्ण के हाथ में एक रेखा ऐसी है, वो जितना दान करता है ना उतना धन बढ़ता है, और दान यदि करते रहे तो रेखा ऑटोमेटिक हमारे हाथों में भी आ जाती है। जो दान करने में कंजूसी करते हैं ना, वहां लक्ष्मी माता का गला घुटता है, जी घुटता है, बोलती इधर मेरे को नहीं रहना। दान करने से लक्ष्मी की शुद्धि होती जाती है। द्रौपदी को भोजन परोसने की सेवा मिली और कृष्ण पादा बने जले। इसी यज्ञ में अद्भुत भवन को देखने के लिए आए थे दुर्योधन। इस भवन का वैशिष्ट्य यह है कि सद्भाव लेखन के प्रवेश करोगे तो जैसा भवन है वैसा दिखाई देगा, ईर्ष्या को लेकर के आओगे सब उल्टा पुल्टा दिखेगा। जमीन को पानी समझकर दुर्योधन ने वस्त्र ऊपर कर लिए, और जहां वास्तव में पानी था सोचा ये तो जमीन है, सुधम से गिर गया, लिखा तो नहीं है, पर द्रौपदी हंस गई होगी, उसको लगा मेरा अपमान हो रहा है, जल्दी जल्दी निकल के जाने लगा तो और गड़बड़ हो गया। दरवाजे को दीवार समझ के उधर गया ही नहीं, दीवार को द्वार समझ के जाने लगा, सो धम्म से सिर लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। द्रौपदी ने कह दिया होगा अंधे का तो अंधा ही होता है, बस वहीं से महाभारत का बीज बह गया। हमारे मन में विश्वास नहीं है इसलिए अपन भटकते रहते हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञात वास पांडवों को मिला, पर गोविंद के चरणों का आश्रय लिया ना, कौरवों के सेना रूपी सागर को पार कर गए, पांडवों को विजयश्री मिल गई, कौरव सब प्रायः मारे गए। तो कृष्णस्य आशीर सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म विद्नम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। मेरे कन्हैया के बचपन के सखा हैं सुदामा जी महाराज, ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण, ऐसा तपस्वी ऋषि। भागवत में सुखदेव स्वामी कहते हैं सुदामा कैसा है मालूम है, बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी के मन में बड़ी विरक्ति है, इंद्रियों के प्रति भी परम वैराग्य है, वेद वेदांत का निष्णात पंडित है, और देखो केवल ब्राह्मण ही नहीं है, वो ब्राह्मण तो है ही, ब्रह्म विद्वान है, ब्रह्म को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। इतना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा मनस्वी, इतना बड़ा तेजस्वी, इतना बड़ा तपस्वी, और इतना ही बड़ा यशस्वी, ये सारे सतगुण सुदामा के जीवन में थे। सुदामा ने धन को कभी प्राथमिकता नहीं दी, धन की चाह कभी मन में बढ़ने ही न दी। यदुच्चयोपपन्नेन
वर्तमानो गृहाश्रमी। सुदामा जी को जो कुछ भी दान में मिलता उसी से वो संतुष्ट रहते। ब्राह्मण को भीख नहीं मांगनी चाहिए, भीख मांगने से उसकी ब्राह्मणता में बट्टा लग जाता है, ब्राह्मणता कमजोर पड़ जाती है। भिक्षा कभी मत मांगो, दान उसी है। और जब आवहि संतोष धन सब धन धूरी समान। सुदामा की पत्नी के मन में जरूर इच्छा रहती थी कि हमें कुछ मिल जाता तो अच्छा रहता, हम भी पड़ोसियों की तरह धनवान होते तो अच्छा रहता। लेकिन इतनी बड़ी पतिव्रता कि बेचारी संकोच की वजह से कभी सुदामा से कहती ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। क्रांति तो तब आ गई जब 5 दिन तक एक बार इनके घर में चूल्हा ही नहीं जला। एक बात कहूं, सुदामा जी की छत टूटी हुई है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के मकान की दीवार टूटी हुई है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के रसोई में सवेरे भोजन बन जाए तो शाम के लिए कुछ रहता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पर सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात है। सुदामा त्यागी है, सुदामा गरीब है, दरिद्र नहीं है। दरिद्र तो वो होता है जिसके मन में चाहत है पर मिल नहीं रहा है। त्यागी वो है जिसके मन में कभी चाहत ही नहीं है, किसी वस्तु की कामना ही नहीं है। कभी सत्संग करते कथा करते जो मिल गया उसी में प्रसन्न है। अच्छा, कभी 2-4 दिन तक सत्संग कथा नहीं चली तो खेत कट जाने के बाद में उसमें जो अन्न के दाने बिखरे रह जाते हैं ना, सुदामा कभी उन्हीं को बीन के ले आते, उसको बोलते हैं सिलोंच वृत्ति, और उसी से अपना काम चला लेते। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा परम संतोष का धन। एक बार तो पत्नी ने सोचा अब तो मुझे कहना पड़ेगा। बेचारी डरती डरती बड़े संकोच में पड़ गई और सुदामा जी से बोले कि ननु ब्रह्मं भगवतः सखा साक्षा श्रीपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। आपको याद है द्वारका के नाथ जो श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं, आपके बचपन के सखा हैं। सुदामा जी बोले कितनी पुरानी बात याद दिलाई है देवी। अरे केवल सखा नहीं, लंगोटिया यार है मेरा, संग रहते थे, संग खाते थे, संग पढ़ते थे। पत्नी बोली तो क्या आपके मन में कभी ऐसा नहीं लगता कि हम सुदामा से कृष्ण से मिल के आए, दर्शन करके आए। जी आपको नहीं मालूम, वो इतने कृपालु हैं, दास्यति द्रविणम भूरी सीध तेते कुटुंब में, यदि बहुत प्रसन्न हो गए तो आपको अनंत धन दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं। सुदामा ने कहा सुनो, यदि धन की कामना से कृष्ण के पास में भेजोगी ना देवी तो जीवन में कभी नहीं जाऊंगा, धन की अभिलाषा से नहीं जाना मुझे। और यदि कहो दर्शन करने चले जाओ तो इससे बड़ा सदभाग्य किसका हो सकता है, यह तो बहुत आनंद की बात है। भगवान के दर्शन की कामना। पत्नी बोली नहीं नहीं सुनिए, आप दर्शन करने जाओ, मेरी तो विनम्र विनती है आपसे। दर्शन करने कैसे जाएं देवी? अरे सुनो, हमको तो जब दर्शन करना होता है ना, आंख बंद करके हम तो रोज दर्शन कर लेते। पत्नी बोली हो गया कल्याण, ये मन ही मन में दर्शन कर लेते हैं तो अपन को लाभ क्या हुआ? सुनो जी, शरीर से पति कोई काम करता है ना धर्म का, तो आधा अपन पत्नी को मिलता है। हाँ, मन में पति कुछ भी करे ऐसे पत्नी को क्या मतलब, वो तो बेचारी अर्धांगिनी है। पति शरीर से धर्म करेगा, पुण्य करेगा, दान करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, सेवा करेगा, उसका फल पत्नी को आधा मिलता है, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूं। एक बार शरीर से जाओ ना दर्शन करने। सुदामा जी बोले हे भगवान, तुम्हारे जैसी पत्नी तो मेरा प्रभु सब किसी को दे। कैसी विचित्र, कैसी निर्मल तुम्हारी भावना है, कैसा वैचित्र तुम्हारा जीवन है, मेरा मन भी करता है जाने को। हाँ, कृष्ण जैसे मित्र को पाकर कोई बार बार मिलना क्यों ना चाहेगा, पर तुम तो जानती हो देवी, मांगती किसी से है नहीं, घर में कुछ है नहीं, अब कैसे जाऊं बताओ, मेरी समझ में नहीं आता। पत्नी बोली आप स्नान करके लौटिए, मैं व्यवस्था करती हूं।
तया चित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान् प्रतुकतंडुरा। सुदामा की पत्नी चार घरों में गई और एक एक मुट्ठी चावल चूड़ा उधार लेके आई, भीख मांग के नहीं आई। बोली मेरे पति आएंगे तो वापस कर दूंगी। चार घरों से इसलिए लाई कि मेरा पति जब कृष्ण के गले लगेगा और कृष्ण पूछेंगे सुदामा तुम कैसे हो, ये एक ही जवाब देंगे, हमारे समान सुखी दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। पर मेरे द्वारिकाधीश को पता कैसे चलेगा कि मेरे घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। अब चार घरों का चार मुट्ठी चावल आप एक जगह रख करके देखो, कुछ चिकटा चावल, कुछ धान का चावल, कुछ पीला चावल, कुछ टूटा चावल, अलग अलग दिखेगा ना। और वह भी ऐसे कपड़े में बांधा इस सहधर्मिणी परम बुद्धिमती सुदामा की पत्नी ने कि वो एक बलस्त कपड़ा भी चार जगह से फटा हुआ, ताकि द्वारकाधीश समझे ना कपड़ा भी इसके घर का नहीं। और सुदामा जी बड़े भाव से जा रहे हैं और मालूम है जाते समय सुदामा क्या सोच रहे हैं, क्यों हम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। जीवन का यही तो परम लाभ है कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा मुझे, खूब भगवान का भजन करना, भगवान की पूजा करना, मैं जल्दी आऊंगा। हाँ, ऐसे बगल में पोटली को डाल करके सुदामा जी सीधे जा रहे हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, बड़ी सुंदर भावना।
जिनको तबीब देख के खुद बन गए मरीज, जिनको तबीब देख के खुद बन गए मरीज, जिनको तबीब देख के खुद बन गए को तबीब देख के खुद बन गए पार कैसे करें, केवट मिल गया। केवट ने सुदामा जी को पार तो लगाया, बार बार पूछता है कहाँ जा रहे हैं आप। सुदामा जी बोले द्वारिका के राजा जो कृष्णचंद्र महाराज हैं, हमारे बचपन के सखा हैं, सुबिन को दर्शन कर भी जा रहे हैं, तन पहना लगता और चल दे कलकत्ता। केवट ने थोड़ा सा व्यंग किया, सुदामा ने कृष्ण की प्रशंसा की, मेरे कन्हैया वस्त्र नहीं देखे, मेरे कन्हैया आभूषण नहीं देखे, वो तो मन की भावना देखे, मन की श्रद्धा को देखे। केवट जी कितनी दूर है यहां से द्वारिका? बोले बहुत दूर तो नहीं है, पर आपको तो लग सकता है अभी एक महीना, क्योंकि आप बड़े दुबले हैं पंडित जी, रास्ता भी भूल गए ना आप, गलत रास्ते पे आ गए। सुदामा जी बोले कन्हैया इतना टाइम लगेगा तुम्हारे पास आने में? देखो हमें तुमसे बेटा बेटी नहीं चाहिए, धन संपत्ति वैभव नहीं चाहिए, हजार बार तुम्हारी गर्ज पड़े तो बुलाओ नहीं, अपन तो नदी के किनारे ही सो रहे हैं। सुदामा जी तो महाराज वही तकिया लगा के सो गए, हाथ की तकिया लगाई, ये पक्की बात है और थोड़ी समझने वाली भी बात है। मांगने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में कमजोरी आ जाती है, और जो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है ना, उसमें आत्मबल ज्यादा होता है, आत्मबल बढ़ता है नहीं मांगने से। तृष्णे कृष्णे पिते शक्ति दृष्टा अन्यस्य का गति त्रैलोक्य व्याप यद्रूपम तत्व या बामनी कृतम। भगवान को भी मांगना पड़ा तो नन्हे से बौना बन गए, बामन बन गए। सीधी सी बातें, मांगने वाला छोटा हो जाता है, देने वाला बड़ा हो जाता है। सुदामा ने तो कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, तुम्हारे दर्शन की कामना से आ रहे थे, हजार बार गर्ज पड़े तो हमको बुलाओ नहीं, हम तो इधर ही सो रहे हैं। और मैं ही सो गए, सोए थे नदी के किनारे, आंख खुली थी, द्वारिका में पहुंच गए। बोलिए द्वारिका आधी सखी, सुदामा जी तो बड़े आनंद में, अरे इतने सुंदर सुंदर महल दरवाजे ऐसी बढ़िया है, ये कौन सी नगरी? एक दो बार तो देखने लगे कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं। उर्धपिंडधारी त्रिपिंडधारी बड़े बड़े संत महात्मा अमरात्मा ज्ञानी मंदिर बड़ी बड़ी चोटी वाले वैदक ब्राह्मण सब वहां इधर से उधर निकल रहे हैं। मुख्य द्वार पर आकर सुदामा ने देखा दो सुंदर से दरबान खड़े हैं, एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। जय और विजय ने तुरंत देखा
सुदामा ने उनसे कहा, भाई जी जय श्री कृष्ण। जय विजय बोले, जी जी जय श्री कृष्ण पधारिए, कहां से आए? सुदामा ने कहा, देखो हम अरे एक बात बताओ, ये द्वारिका है? बोले हाँ जी द्वारिकापुरी है। तो ये वही द्वारिका है जो मेरे मित्र कृष्ण की द्वारिका है? जय विजय बोले, अब द्वारिका तो एक ही है और हमारे प्रभु के मित्र भी आप जैसे ही होते, आज्ञा करिए। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। मेरा फूटा हुआ लोटा, टूटी हुई छड़ी, उधरी हुई रस्सी, चरणों की फटी हुई बिवाइयां, इनको देख कर ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार मेरे गोविंद का मुझे दर्शन करा दो बस। सुदामा है मेरा नाम, बचपन में गुरुकुल में संग पढ़ते थे, बहुत दूर से चल के आया हूं। भगवान के दरबानों ने जैसे ही सुना हमारे प्रभु के मित्र हैं ये, तुरंत सुदामा के चरणों में साष्टांग लेट गए। जो बड़े होते हैं ना, उनमें बड़प्पन होता है, उनमें गंभीरता होती है, उनकी रहन सहनी में भी गंभीर्य होता है। और जो गलती से बड़े बन जाते हैं ना जी, उनमें बड़प्पन आने में दो चार पीढ़ी का टाइम लग जाता है। सुदामा जी महाराज के जो दरबान है ना, बड़े कृष्ण के दरबान बड़े गंभीर हैं, बड़े पढ़े लिखे, बड़े शिक्षित। बोलो भगवान का जो दरबान है, क्या वो इतना भी नहीं समझ सकता कि आदमी कैसे स्तर का है? वो तो चेहरा पढ़ लेते हैं तुरंत। सुदामा जी महाराज को प्रणाम करके बोले, आपको मालूम नहीं भगवान, हमारे प्रभु के दरबार में ब्राह्मण संतों को तो कोई अंदर जाने से रोक ही नहीं सकता। प्रभु की आज्ञा, संत ब्राह्मण जब भी आए तुरंत मेरे पास आने दिया करें। लेकिन अभी समय भगवान के भोग लगाने का है, आपको बहुत अन्यथा यदि न लगे तो दो मिनट बैठिए, हम भगवान से जाके प्रार्थना करते हैं और जो उनकी आज्ञा होगी सो आपसे निवेदन कर देंगे। सुदामा ने कहा, तुम तो इतना बोल देना कि हम बस वो सुदामा आया है, वो सब समझ जाएगा कि नहीं है। दरबानों ने जाकर के गोविंद से जो विनती करी ना, अब वो सुने कितना भाव है। प्रभु ने कहा, क्या बात है, जय विजय बोलो। बोले, अति आवश्यक निवेदन था, बहुत जरूरी प्रार्थना करनी थी, इसलिए हम लोग आपके भोजनावकाश के अवसर पर अंदर चले आए, क्षमा चाहते हैं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं बोलो तुम, कोई बात नहीं। बोले, प्रभु एक ऐसा विचित्र ब्राह्मण द्वार पे आया है। कैसा है? बोले, शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आने बसहु के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाय उपार की नहीं क्षमा, बाहर खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिराम, कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। एक नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, कैसे बताए केशव, बस ब्राह्मण के चरणों की बिवाइयां फटी हैं, और जो धोती पहनी है ना विप्र ने, कई जगह से फटी हुई है, सिर ढकने को वस्त्र नहीं है, इतना दुबला पतला ब्राह्मण कोई पांचवी कक्षा का छात्र भी उसकी हड्डी और नसों को गिन सकता है, ऐसा वो ब्राह्मण है प्रभु। फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उधरी सी रस्सी है, लेकिन भगवान उनके माथे पर बड़ा तेज है, एकदम तेजीमान चेहरा है, दुबला पतला तो बहुत है पर चेहरे पर बड़ा आभा है, प्रभा है, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे तपस्वी ब्राह्मण है, आपका दर्शन करना चाहते हैं। बड़े दिनों से महीनों से पैदल चल के आए हैं। उन्होंने कहा था कि हम गुरुकुल में सातवें पढ़ते थे, अपना नाम सुदामा बोलते थे, क्या आज्ञा है? अरे सुदामा जी आए हो, तुम लोग उनको द्वार पर छोड़कर चले आए, उन्हें सादर अंदर लेकर के नहीं आए? मेरे गोविंद ने सुना और मंच से छलांग लगाई कि नहीं आना, और इतनी तीव्र गति से दौड़े कि जय विजय भी पीछे दौड़ रहे हैं। कहा है श्रीमान सुदामा, क्यों तुम लोग द्वार पर छोड़े आए? अरे सादर लेके आना था, चरण पादुका तो पहनी नहीं, पिछवाई कहां गिर पड़ी मालूम नहीं, मोर पंख किधर गया मालूम नहीं, और भगवान के उस महल से मुख्य द्वार तो बड़ा दूर है।
और एक डोड़ी पार करी, दूसरी पार करी, तीसरी पार करी, जेब जेब पीछे रह के भगवान पवन की गति से दौड़ते जा रहे हैं। महामंत्री उद्धव जी आए, जय विजय से बोले क्या हुआ भगवान, कहाँ जा रहे हैं, किधर चले गए प्रभु। जय विजय बोले हमसे गलती हो गई सर, कोई ब्राह्मण मिलने को आ गया और हमने नाम बता दिया, बस भगवान दौड़ते जा रहे हैं। अब उनके पीछे पीछे महामंत्री उद्धव दौड़ रहे, परमात्मा का प्रधान सेनापति आया, जय विजय से बोला क्या हुआ, किधर गए प्रभु। बोले कोई ब्राह्मण आया, हमने नाम बता दिया, बस नंगे चरणों से दौड़ पड़े। अब तो महाराज पीछे सेनापति दौड़ रहे हैं, महामंत्री दौड़ रहे हैं, भगवान के जो विभिन्न अभिन्न अभिन्न अंग सैनिक आदि हैं वो दौड़ रहे हैं। महामंत्री का ऐसा कौन व्यक्ति आ गया, ब्रह्मा भी आ गए तो उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है भगवान के दर्शन के लिए, ये कौन है। और भगवान ने 60 डोड़ी पार करके बाहर बैठ के सुदामा को देखा और सुदामा जी कहकर गोविंद दौड़ पड़े और उठाकर उन्हें अंक में भर लिया और नेत्रों से प्रेम के आंसू निकल पड़े। देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंप दो। नेत्रों से आंसुओं की धार बह ली परीक्षित, भगवान के करुण कंगन को देखकर, रुदन को देखकर ये ब्राह्मण सुदामा भी बहुत रोया परीक्षित। लेकिन गरीब संकोची ब्राह्मण अपने आंसुओं को अंदर पी गया, सोचने लगा कहीं मैं रोया तो कोई ये न समझ ले कि गरीब है, कुछ मांगने आया होगा। भगवान के सुरुदन को देख करके ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव बच्चों की तरह रो पड़े, कितनी करुणा मेरे द्वारकाधीश में, ऐसा कारुण्य मैंने जीवन में कहीं देखा नहीं, इस फटेहाल ब्राह्मण का कितना सम्मान कर रहे। एक बार तो गोविंद के नेत्रों के आंसुओं से सुदामा के चरण धुल गए, इस ऐसी अश्रुओं की मानो प्रेम गंगा नेत्रों से बह चली। भगवान का प्रधान सेनापति हिलकियों से रो पड़ा और मन में सोचने लगा मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं, करुणा के सागर, करुणा के समुद्र, मेरे गोविंद के सेनापति होने का मुझे गौरव प्राप्त है, मैं कितना पुण्यात्मा। सुदामा को धीरे धीरे लेकर के द्वारकाधीश अपने महल के मुख्य कक्ष में पधारे और स्वागत कक्ष में स्वर्ण मंडित सिंहासन पर सुदामा को बिठाया, सोने के जरिया में जल लेकर रुक्मिणी जी आई और रुक्मिणी जी जल चढ़ा रही हैं सुदामा जी के चरणों को, कृष्ण धो रहे हैं। अरे लाला तू तो कहा करे भैया, कल तो मेरे पामन ने धोवे। बोले वे प्रसादा धरणी धरो, प्रसादात कमला बरो। सुदामा जी आपको नहीं मालूम, आपके चरणों के आशीर्वाद से मैं लक्ष्मीपति हूं। और एक बात कहूं, हीरे को ये कभी मालूम नहीं होता कि मेरा मोल क्या है, हीरा अपना मूल्य नहीं जानता, ये तो जौहर ही बता सकता है इसका मूल्य क्या है। आप नहीं जानते श्रीमान, आपके चरणों का जो अमृत कुल्य है, चरणामृत है, इसको आज अपनी द्वारिका में छीटूंगा ना, मेरी द्वारिका आज पावन बन जाएगी, मेरी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। अरे ना लाला मुझे बड़ी शर्म लगे भैया, तू ऐसे ऐसे पावन ने मत धो गए। चरण धो करके रुक्मणी जी को इशारा किया, वो पीछे खड़ी खड़ी मैं सुदामा जी को पंखा कर रही है और अपने मन में सोचती है कि मने न कृतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा श्रिया हीने न लोकेस्मिन गर्हिते नाधमेन च। इस अवधूत भिखारी ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या करी कि ओसौ त्रिलोक गुरुणा सैनिवासेन सत्कृता। त्रिलोकी के गुरु लक्ष्मीपति मेरे पति जिसका इतना आदर करते हैं, रुक्मणी पंखा कर रही है, पूरी द्वारिका में हड़कंप मच गया है, खुशी की लहर छा गई, दौड़े दौड़े लोग आ रहे हैं, कौन आया ऐसा ब्राह्मण जिसके चरणों में गोविंद बैठे। भगवान के बेटे आ गए, पत्नियां आ गई, सब बैठे हैं। सबसे पहले भोजन बन गया, 56 भोग बने थे, चलिए भोग पा लीजिए, ऐसा नहीं कि सुदामा ने खाया नहीं था तो टूट पड़े हो, ये भी खा जाऊं वो भी खा जाऊं, ना ना जीव पर नियंत्रण है। सुदामा बोले लाला तू बरो न माने तो एक बात कहूं, ज्यादा पकवान खाए भी ऐसा बुद्धि खराब है जा, भैया मैं ना खाऊं ज्यादा पकवान,
कृष्ण बोले वो तो ठीक है लेकिन तो उसको भगवत प्रसाद समझ के तो खा सकते भैया ऐसी बात है तो फिर संग संग भोजन करेंगे दोनों दोनों की दो थालियां सज गई। मेरे गोविंद भी पा रहे हैं एक मित्र ऐसा जिसकी पीतांबर विचित्र है एक मित्र ऐसा जिसकी धोती 20 जगह से फटी है एक मित्र जो सुवर्ण मंडित खड़ामू पहनता है एक मित्र ने जूते जीवन में कभी पहने ही नहीं विवाही फटी है लेकिन समान सीलभ दसनेस सक्षम दोनों के विचारों की समानता का दर्शन करो विचारों में सामान्यता है यही मित्रता का द्योतक है। सदामा जी भोजन करके प्रेम से बैठे प्रभु ने इशारा किया सब पत्नी प्रणाम करने आ रही है मैं रुक्मणी प्रणाम देवी चर सौभाग्यवती रहो मैं जामुवती प्रणाम देवी चर सौभाग्यवती रहो मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ चिर सौभाग्यवती रहो मैं कालिंदी प्रणाम देवी चर सौभाग्यवती रहो एक एक करके पत्नी प्रणाम करती आ रही है बेचारे सबसे कह रहे चिर सौभाग्यवती रहो चिर सौभाग्यवती रहो चिर सौभाग्यवती रहो जब कम से कम 300 पत्नी प्रणाम कर चुकी तो फिर चिर सौभाग्यवती रहो भाग्यवती रहो भाग्यवती रहो बती रहो बती रहो रहो हो थक गया ब्राह्मण बेचारा कम से कम 500 पत्नी प्रणाम कर गई आप जरा करना 500 बार ऐसे नीचे सपोर्ट नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं ऐसे नीचे कुछ नहीं बड़े से बड़े पहलवान कहां पार जाएगा। सुदामा जी बेचारे बाणी भी सूख गई और लंबा था चिर सौभाग्यवती रहो तो शॉर्ट करते गए चिर सौभाग्यवती रहो चिर सौभाग्यवती रहो फिर भाग्यवती रहो फिर भाग्यवती रहो फिर बती रहो फिर बती रहो फिर ती रहो फिर रुक गए ऐसे करने लगे। कृष्ण बोले क्या है सुनियो भैया। भगवान बोले क्या बात। बोले कान में ही कहूंगा कान पास में किया तो पूछने लगे अभी कितनी और है 16108 है। अच्छा लाना ये सब अपनी ही है जी। मैंने सोचा पड़ोस की आ गई क्या कभी संत आते हैं तो पड़ोसी भी आते हैं दर्शन करने। भैया एक एक ऐसे प्रणाम करेंगी तो मैं तो हार जाऊंगा गरीब ब्राह्मण हूं दुबलो पतलो सबकी तरफ से तुम ही प्रणाम कर लो हम तुमको ये आशीर्वाद दे देते हैं। भारत का ऋषि तो भगवान को भी आशीष देता है। आपको याद है बचपन में हम लोग कैसे खेलते थे है ना पढ़ के मैं अपने गांव चला गया आप अपने घर चले गए सुदामा जी तो भार जो उठा शब्द ऋषि नबा आपको आप जैसी पत्नी मिली कि नहीं। लाला इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी माता पिता ने बहुत कह दिया शादी करनी पड़ी तेरी भाभी का नाम है सुशीला। कन्हैया प्रेम से बच्चों की तरह बोले जब भाभी जी घर आ गई है तो मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा को बहुत संकोच लगता है कैसे बताएं। कृष्ण तो बड़ा सरल है बड़ा सहज है लेकिन उसकी पत्नियां तो बड़े बड़े राजघराने की बेटी हैं। सबके बीच में मैं कैसे पोटली दिखाऊं ये उठ करके चली जाए तो मैं दे दूंगा। सुदामा बार बार बात बदल जाते हैं कोई और प्रसंग छेड़ने लग जाते हैं पर कृष्ण भूलते नहीं भाभी ने क्या भेजा। फिर भी सुदामा का संकोच न मिटा तो गोविंद ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरितं अस्नामि प्रयतात्मनः। सुदामा जी किसी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता वस्तु को प्रदान करने वाले की भावना का महत्व होता है। भाभी ने क्या भेजा वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कितने प्रेम से भेजा वो प्रेम महत्वपूर्ण है। प्रेम से मुझे कोई एक पत्र समर्पित करे एक तुलसी पत्र से भी खुश हो जाते हैं। प्रेम से कोई मुझे एक लोटा जल समर्पित करे कोई फल समर्पित करे वस्तु का महत्व नहीं है प्रेम का महत्व है। सुदामा जी का संकोच मिटता नहीं गोविंद ने बगल में हाथ डालकर पोटली को छुड़ाया और जैसी पोटली को घुमा घुमा करके कन्हैया ने देखा नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली गई।
क्योंकि उस पोटली में भी पांच जगह से सिली हुई है पोटली, और उसमें अंदर जो चावल हैं वो पांच चार मुट्ठी चावल भी चार प्रकार के हैं। सुदामा को समझने में जरा भी संकोच नहीं हुआ, कृष्ण समझ गए। एक मुट्ठी चावल मुख में देके स्वर्ग की संपदा प्रदान कर दी, दूसरी मुट्ठी मुख में लेके पृथ्वी लोक के एक छत सम्राट का सुख प्रदान किया, तीसरी खाने लगे तो रुक्मिणी बोली मुझे भी वहीं भेजोगे क्या, बड़े बरस रहे पंडित जी पर, आपकी छाती में लात मारने वाला भी ब्राह्मण था। कन्हैया बोले शादी से पहले चिट्ठी लेके जो आया वो भी ब्राह्मण था, ऊपर से तो कुछ और बोले, इशारों से बात हो गई। सुदामा ने की दादा जिद ना करें भैया, कच्चे चावल ना खायो करें, रुक्मिणी ठीक कह रही है। बोले आप कहते तो नहीं खाते, लेकिन प्रभु ने क्या दिया क्या नहीं दिया ये कोई समझ ही नहीं सका। भगवान देते हैं ना तो ढिंडोरा पीट कर नहीं देते, मेरे परमात्मा तो इस भाव से देते हैं तो जिसको दिया उसको भी कभी बाद में पता चले, ऐसा संकोची है कृष्ण। अब आपको यह तीन बात बताएं। पहली बात तो सुदामा परम त्यागी है, दूसरी बात सोने की द्वारिका में आने के बावजूद सुदामा ने कृष्ण से एक तोले सोना नहीं मांगा, और यदि कृष्ण देते तो सुदामा नहीं लेते ये कन्फर्म है, क्योंकि धन लेने के लिए तो आए ही नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इतना पैदल चलकर के तकलीफें सहकर जो व्यक्ति द्वारिका पहुंचा वो एक रात्रि से ज्यादा द्वारिका में नहीं रुका, ऐसा लिखा है। क्योंकि सुदामा की नजर में न सोने की द्वारिका का कोई महत्व है, न इस वैभव का कोई महत्व है, उसकी नजर में महत्व है गोविंद के दर्शन का, कन्हैया से मिलने का, और वो हो गया। सवेरा होते जाने लगे, कन्हैया बोले रुक जाइए दो चार दिन, लाला तेरी नगरी के लोग बड़े अच्छे फिर कभी आएंगे, हम तो अब तेरी भाभी को भी ले आएंगे। न कृष्ण ने कुछ दिया न सुदामा ने कुछ लिया, बल्कि मन में सोचने लगे तेरी नगरी तो बड़ी दूर है गोपाल, तुम्हारी कृपा से मिलती है नगरिया, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, जाते हो ना
पीछे से आवाज आई सुदामा जी, और सुदामा ने अंदर देखा तो द्वारिकाधीश बैठे हैं। त्रिलोकी का क्या, 14 लोक तुम्हें प्रदान कर दूं तो भी तुम्हें अभिमान नहीं हो सकता। सुदामा जैसी निर्मलता हमारे जीवन में आ जाए। I'm gonna make it.
भागवत महापुराण सद्गुरु देव महाराज की जय। राधा रामचंद्र भगवान की गंगा यमुना मैया की श्री श्री गौ माता की भारत माता की जय। जय श्री राधे द्वारिकाधीश की। परखलेश्वर अकारण करुणा वरण वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भागवत कथा की इस अंतिम सभा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सुदामा को परम ऐश्वर्य मिला लेकिन मन में कोई प्रवृत्ति नहीं है। गोविंद का प्रसाद है ये समझ करके स्वीकार किया है, उसमें स्वाभिलषित कामना नहीं है और यही गृहस्थ आश्रम में विरक्त होने का प्रतीक है। पिता को प्रणाम करने कृष्ण जाते हैं, आज भी प्रणाम करने के लिए गए। माता पिता की इच्छा को जान करके कुरुक्षेत्र की पावन सीमंत पंचक भूमि में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया और आज श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल को छोड़ा उसे 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष की अवधि निकल गई। अच्छा बोलो, जय श्री कृष्ण। मौसम ठीक हो गया है, जनवरी में पसीना आ रहा है। कन्हैया बड़ा ध्यान रखते हैं, पर 2 दिन बाद हम कथा कर रहे हैं ना, वहां तो गर्मी जनवरी में भी रहती है। द्वारिका धाम में, ये दिल्ली वाली द्वारिका नहीं,
द्वारिका धाम में कथा हो रही 29 तारीख से। कथा का समय रहेगा 1 से 5 बजे तक। संस्कार चैनल पर उसका टेलीकास्ट आएगा डी लाइव, तो आप यहां बैठे बैठे आनंद ले सकते हैं कथा का। डी लाइव आएगा, डेफर्ट लाइव। 29 तारीख की कथा 30 तारीख से शुरू होगी और बिल्कुल वही टाइम आप सवेरे आएगी 9 से 1 बजे तक, ये टाइम रहेगा। 1 तारीख से आएगी, सॉरी, जय श्री कृष्ण। तो उसको आप रोज 4-5 घंटे बैठ के सुनना। ये कथा तो आ रही है अभी सत्संग चैनल पे, फिर इस कथा को संस्कार पे आप शाम 5 बजे से 3 महीने तक रोज देखेंगे आधा घंटे, ये कथा भी आएगी। तो इन आध्यात्मिक चैनलों से खूब लोगों को आनंद मिल रहा है कथा का। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यज्ञ हुआ और क्योंकि कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र हमारे ब्रज से दूर नहीं है ज्यादा, तो महाराज ब्रजवासी लोग भी आए। यदुवंशियों का पूरा परिवार परिकरों सहित वहां पहुंचा। और विशेष बात यह है कि इस यज्ञ में राधा रानी भी आई, मैया यशोदा आनंद बाबा ब्रज गोपियां सब लोग पहुंचे। खुशी है सबके मन में। नदरानी आज अपने गोपाल से मिली, सबसे पूछे मेरे कनुआ कहां है, मेरे काना कहां है। अब द्वारिका जी, इसको कोई कनुआ काना बोलता क्या? दो लाइन में आता है पूरा नाम, द्वारकेश मथुराधिपति यदवंश श्रोमणी यदकुल कमल दिवाकर वसुदेव नंदन पर व्योमादिनाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, इतना लंबा नाम। लेकिन अपने कक्ष में जब कृष्ण ने सुना कि कोई मुझे कनुआ बोल रहा है, कन्हैया बोले इतने प्यार से तो मैया के अलावा कोई बोल नहीं सकता, दौड़ पड़े अपने कक्ष से, दौड़कर मां के चरणों में गिर पड़े। कुरुक्षेत्र की वो भूमि जिसे हम सूखी भूमि कहते हैं, जहां महाभारत युद्ध हुआ, करुणा के आंसुओं से भर गई, मैया की खुशी का ठिकाना नहीं, कृष्ण से मिली, कम सुनती हैं, दिखता भी कम। भगवान चरणों में बैठ के मां को ऊपर बिठाया, एक बड़ा हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ पुरुष आया, उम्र है 50 वर्ष की। उसने आकर के प्रणाम किया मां को और कोने में खड़ा हो गया। मैया बोली, जी कौन है? कृष्ण बोले, मेरा बड़ा बेटा है प्रद्युम्न, आपका बड़ा पोता। एक और हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ सुंदर पुरुष आया, मां को प्रणाम करके खड़ा हो गया। मैया बोली, जी कौन है? कन्हैया बोले, मेरा बड़ा पोता, आपका पड़पोता, आपका पड़पोता। अब कृष्ण के बेटे की उम्र है 50 वर्ष की, पोता है 25 वर्ष का और बाबा है 15 वर्ष का। भगवान कभी 15 वर्ष से आगे नहीं जाते, भगवान को कभी डांडी मूछ नहीं आती। ये सब कर्म तो मरण धर्मा लोगों में होते। नवनमायमान किशोर है मेरा गोविंद, नित्य किशोर, नवनमायमान किशोर। नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणम्बुजे, मनः क्षिप्तं पुनर्हर्तु मनीषा मथुरां व्रज। सब लोग सभी से मिले, लेकिन आज किसी ने कृष्ण को ब्रज में लौटकर चलने का आग्रह नहीं किया। मेरे गोविंद की पत्नियां राधा रानी का दर्शन करने गईं, कृतार्थ हो गईं।
और किशोरी जी से बोली अपने प्रेम की जो रसधारा है, प्रेम का जो सागर है, उसका एक बिंदु भी हमें मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। राधा तो सागर है प्रेम का, उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, परमात्मा के साथ में संबंध जोड़े बगैर भक्ति नहीं होती। प्रभु के साथ में तुम कोई भी संबंध जोड़ो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो संबंध जोड़कर देखो। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो तज ममता अभिमान। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, कोई संबंध जोड़ो। और तुम्हारे साथ में कृष्ण के तीन संबंध हैं। पहला संबंध यह कि तुम जीव हो, कृष्ण ईश्वर हैं। केशवर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो घुसाई, बंधो कीर मरकट कीराई। पहला संबंध है हम ईश्वर के अंश हैं, और तुम्हारा दूसरा संबंध कृष्ण से क्या है? बोले तेरी रक्षा भी कृष्ण ने करी थी। आपको मालूम है परीक्षित का एक नाम है विष्णु रात। विष्णु रात का अर्थ होता है विष्णुना रात दत्त विष्णु रात। जिसकी रक्षा विष्णु के द्वारा की जाए उसको विष्णु रात कहते हैं। भगवान ने तो रक्षा करी थी, सब जानते हैं कथा। और तीसरा संबंध यह है भैया कि तेरी दादी जो सुभद्रा थी ना, मेरे गोविंद की बहन ही तो थी खास। बोले महाराज जी दादी का ब्याह कैसे हुआ था बाबा से? सुखदेव बोले अब सबरी बात हमसे ही पूछोगे, ब्याह क्या हुआ था? तुम्हारे दादाजी हरण करके ले आए थे, बोलो जय श्री कृष्ण। और इसमें इच्छा कृष्ण की थी, लो कर लो बात, महात्मा बनकर के गए और ले आए। अर्जुन गए थे महात्मा बन के, कृष्ण जानते हैं कि सुभद्रा का अर्जुन के प्रति थोड़ा आकर्षण है, ध्यान से सुनना। अब बलराम जी चाहते हैं कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, और कृष्ण चाहते हैं अर्जुन ठीक है दुर्योधन तुम मरेगा, अकाल मृत्यु में जाएगा। लेकिन बलराम से यदि उन्होंने कह दिया कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कर दो, और बलराम ने एक बार ना कर दिया तो फिर ना। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम महात्मा जी बन के आ जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। तो ये महात्मा जी बन के आए स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज। स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज, महाराज मत पूछो, एकदम धुनी लगी है, समाधि लगी है, दाढ़ी डेढ़ दो हाथ लंबी है, लोगों की भीड़ शुरू। हमारी बहनों को तो जरा पता चल जाए कोई बाबा बहुत ही देने वाला आ गया, फिर उनकी भीड़ देखो। बड़े ऊंचे संत हैं, हाँ मुझे तो ऐसा प्रसाद दिया कि जुखाम ठीक हो गया। हाँ लोग बड़ा कहते हैं महाराज ऐसी दवाई दी घुटने का दर्द खत्म। अरे हम का तो डॉक्टर जी हैं क्या ये? बड़ी भीड़। भगवान कन्हैया बोले बलराम जी से बड़े उच्च कोटि के संत आए हैं, और संत हमें तो घर में बुलाना चाहिए, उनका थोड़ा पांव पधर जाए तो घर पवित्र हो जाता है। बलराम बोले ऐसी बातें भैया तो निमंत्रण दे आप। ऐसे संत हैं भाई जी 12 बरस से भोजन नहीं किया, फल खा के रहते हैं, हिमालय में कितने दिन हवा पी के रहे, कितने दिन पेड़ पर उल्टे लटक के तपस्या करी, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। अच्छा बलराम बोले तो जरूर बुलाओ भैया, महल में बुलाओ, महाराज की सत्कार होना चाहिए। कृष्ण बोले आप बड़े आप निमंत्रण दो, मैं क्यों जो बड़े भाई को देना चाहिए। बलराम बोले चलो हम चलते हैं। अब बलराम जी महाराज गए, साधु जी तो आंख बंद किए बैठे थे। बलराम ने कहा प्रणाम महाराज, बहुत कृपा करी आप हमारे क्षेत्र में पधारे हैं,
बलराम ने प्रणाम करी तो अर्जुन डरता है, क्या करे। पीछे खड़े कृष्ण ने इशारा किया, आशीर्वाद देना। स्वर्जुन का खुश रहो बच्चा, आशीर्वाद दे दिया। महाराज जी हमारा मन था कि कल का भोजन हमारे घर कर लेते, बोले भोजन तो मैं करता नहीं, हाँ फलाहा फल फल दूध खाता हूं, 12 वर्ष हो गए ऐसे रहते। बलराम ने कृष्ण की ओर देखा, संत तो पहुंचा हुआ लगता है, अजी बहुत पहुंचे हुए हैं मत पूछो। कढ़ाई में गंगा जल के 4 पीपे डाल दिए थे, घी की कमी आ गई, सो कहते गंगा जल ही घी बन गया। ये घटना आपको जरूर मिलेगी हर संत के जीवन में, बोलो जय श्री कृष्ण। बायोडाटा बायोडाटा लिखते हैं ना, उसमें लिखते हैं एक बार भंडारा हो रहा सत घी के पीपे खत्म, महाराज ने कह दिया 100 पीपे गंगा जी से ले आ, और 100 पीपे गंगा जल के डाले से उसमें पूड़ियां बन गई। फिर महात्मा जी ने भंडारे के बाद कहा, भाई अब 100 पीपे गंगा जी में घी के डलने चाहिए, हमने उधार लिया था। ये कथा आपको 99.9% महात्माओं के जीवन में मिलेगी, बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े ऊंचे संत पहुंचे हुए संत हैं। अच्छा महाराज जी बिल्कुल पधारिए, महाराज जी पधारे, महाराज पलक खोल दे पलक देख ले झलका झलक, मृग चर्म के आसन पर बैठे। इतने में एक व्यक्ति आया, बलराम जी से बोला आपको सभा में याद किया है, सब सेटिंग थी कृष्ण की। बलराम बोले कोई सेवा ही नहीं करने देता संत की, ये राजपाट का काम भी बड़ा टेढ़ा है। कन्हैया आप महाराज का ध्यान रखना, मैं थोड़ा राज्य सभा में जाता हूं। बलराम चले गए। कन्हैया तैयारी करी रहे थे कि इनका श्री द्वारकाधीश को भी बुलाया है सभा में। कृष्ण बोले कोई भी तो करने देता नहीं सेवा, माता पिता तीर्थ यात्रा पे गए हैं क्या करें। सुभद्रा महाराज को फलाहार की व्यवस्था तुम ही कर दो, मैं जाता हूं जरा। सुभद्रा ने फलाहार कराया महाराज श्री को। पीछे वाले दरवाजे पर रथ खड़ा था महात्मा जी का, सब फलाहार लेके सुभद्रा को रथ में बिठा के, बाबा ये गया कि वो गया, बोलो जय श्री कृष्ण। अरे मत पूछो, अब तो ले गयो करके हल्ला मचा। बलराम ने तुरंत अपना हाल उठा लिया, कैसे कैसे लोग हैं, कितनी श्रद्धा से मैंने बुलाया, बहन का हरण कर लिया। सेनापति से कहा पूरी सेना तैयार कर दी जाए, और ये महात्मा हमारे क्षेत्र से बाहर निकले नहीं, टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक देंगे। बहन को हरण करने की हिम्मत की है उसने, सेनापति का भी बोल्ट ढीला है, तो करंट तो खत्म कर रखा है कृष्ण ने। बलराम बोले तुम लोग देरी क्यों करते हो, हो रहे महाराज तैयार हो रहे, महाराज चलते हैं, महाराज चलेंगे। कृष्ण आ गए वहीं पर, बलराम बोले देखा तुमने बड़ी बड़ाई कर रहे थे, पत्ते खाए हैं, दूध पी करके भजन करते हैं, हैं? हिमालय में उल्टे लटक कर तपस्या की है, ऐसा महात्मा बहन का हरण कर लिया, और तुम लोग देरी क्यों करते हो, जल्दी सेना तैयार क्यों नहीं होती, मैं पूछ रहा हूं। कन्हैया बोले आप बुरा नहीं मानो तो मैं सब सही बता दूं। बलराम बोले इसमें गलत क्या है, सब सही तो है। बोले नहीं वो कोई स्वामी जी थोड़े ही, वो तो अपना अर्जुन है। अर्जुन ये क्या नाटक है भाई। बोले आप दुर्योधन से ब्याह करना चाहते थे ना बहन का, और मैंने सोचा कि दुर्योधन तो मरेगा युद्ध में, तो फिर थोड़ा बहन की इच्छा भी मैंने देखी तो अर्जुन से मैंने कह दिया था। अरे तुम राजी से बोल सकते थे, हम विवाह ही कर देते, ये सब करने की जरूरत क्या थी। बोला आपसे इतना डर लगता है भाई जी, मैंने सोचा एक बार आपने मना कर दिया फिर तो हाँ हो ही नहीं सकता, और ले जाएगा फिर तो करना ही पड़ेगा। बलराम सेना से बोले रहने दो भैया, घर का भेदी लंका ढाव है, बोलो जय श्री कृष्ण। रथ में बैठ कर गए वो, महाराज जी तो बैठे थे, अब दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, नकली उस समय भी मिलती थी, बोलो जय श्री कृष्ण। प्रणाम महाराज। स्वामी जी अर्जुन बोले मेरा कोई दोष नहीं है, जो आदेश मिला सो माफ कर दीजिए भाई जी। बलराम बोले तुम दोनों एक बेल के तुमरा हो, मुझे पागल बनाते हो समझे। फिर विधि से विवाह कर दिया, सुभद्रा तुम्हारी दादी अर्जुन की पत्नी बन गई। बिना संबंध के होती नहीं भक्ति। राजा परीक्षित ने एक बड़ी सुंदर बात पूछी कि देवासुर मनुष्येषु
ये भजन्ते शिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो भोजा नतु लक्ष्म्या पतिम हरिम। भाई जी, देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में, यक्षों में, किन्नरों में जो शिव की उपासना करते हैं वो धनवान होते क्यों, और जो कृष्ण राम नारायण की उपासना करते वो निर्धन या गरीब होते क्यों? सुखदेव जी बोले, देखो पहले तो तुम अपने मन से इस भ्रम को निकाल दो कि शिव में और नारायण में कोई अंतर है ना। नारायण ही शिव है और शिव ही नारायण है। भागवत में तो लिखा है, शंकर कृष्ण कहते हैं मेरी आत्मा का नाम शंकर है, और शिव जी कहते हैं मेरी आत्मा श्री कृष्ण है, अंतर है ही नहीं। पर भगवान शिव और नारायण के स्वभाव में थोड़ा अंतर परिलक्षित होता है। नारायण भगवान बहुत जल्दी नहीं मिलते, पहले ठोक पीट कर देखते हैं कच्चा है कि पक्का, कच्चा है कि पक्का, और एक बार यदि मिल गए तो तुम्हारे हजार दोष भी हैं सम्मा। ये शिव का स्वभाव है। और शिवजी का स्वभाव क्या है? बोले तुमने बेल पत्र चढ़ाया तो भी खुशी, इनका नाम तो आशुतोष है, भावना ही तो प्रधान है, भाव प्रधान है सज्जनों। अब शंकर जी के मंदिर में कोई सज्जन पूजा करने गया, हाथ में लोटा पानी था, इस हाथ में लड्डू पेड़े थे, बेल पत्र था, और शिवजी के मंदिर में जाके देखा तो शिवजी के ऊपर चूहा बैठा है और वो चूहा चनोरी खा रहा। भगत ने कहा राम 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 राम, ये सिर्फ चूहा बैठा है, जो अपने चूहे को नहीं हटा सकता वो मेरी रक्षा क्या करेगा, ना ना ये भगवान हो ही नहीं सकता। सो लोटा इधर फेंका, बेल पत्र इधर फेंक के पेड़ा पीछे फेंक दिया, चला गया। क्योंकि तो भगवान होता क्या, चूहा बैठा है माथे पे उसको ही नहीं हटाता। एक भक्त की श्रेणी तो ये है। दूसरा भक्त आया, उसने शिवजी की शिवलिंगी पे वो चूहे को बैठे देखा, आहा, वो भगत ने लोटा रखा और भगवान शंकर की सफाई करने लगा, नलाने लगा, बोला बाबा सब कोई सिर पे बिठा लेता है। वो नला गया, धुला गया, कोई असर ही नहीं, भोग लगा गया, आरती कर गया, चला गया। लेकिन तीसरा भक्त आया और तीसरे भक्त ने भगवान शिव के मस्तिष्क पर चूहे को बैठे देखा, खुशी के मारे आंखें नम हो गईं, नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। प्रभु आशुतोष नाम तो मैंने आपका सुना था, आंसु शीघ्रम तुष्यति आशुतोष, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाए उसको आशुतोष कहते हैं। कि प्रेतावासे सुखोरेषु, भूत प्रेतों के बीच में निवास करते हैं, मैंने सुना था, सबको गले लगाते मैंने सुना था, लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, चूहे को सिर पर बिठा रखा। वो भगत नलाना भूल गया और प्रेम के आंसू हृदय से निकल पड़े। आंसु शीघ्रम तुष्यति थी आशुतोष, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। भगवान शिव करुणा के सागर है। कामदेव को जलाकर के शिव ने भस्म जरूर किया, लेकिन उनका नाम क्रोधावतार नहीं है, कर्पूर गौरम करुणावतार। एक बार बृहस्पति को वर दे दिए थे सिर पे हाथ रखने का, वो इन्हीं के सिर पे हाथ रखने को तैयार। मेरे गोविंद ब्रह्मचारी बन के पधारे और उस बृहस्पति का उसी के सिर पे हाथ रखवा दिया बातों में लेके। तब जाकर के शंकर जी बोले, आप नहीं पधारते तो जन क्या होता। कन्हैया मुस्कुरा के बोले, बाबा इन भक्तों को वरदान देने से पहले जरा ठोक पीट कर देख लिया करो, ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ावे तो समझना खतरा है, 125 रुपए चढ़ाएंगे 125 करोड़ मांगेंगे, ऐसा बोला है भोलेनाथ, अवघड़ दानी है। परमात्मा अपने पुत्रों को समय समय पर उपदेश देते थे कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालोन पाठित। वे माता पिता तो अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं जो बच्चों को शिक्षा नहीं देते। पेट भरने की विद्या सिखाओ कोई मना नहीं है,
और आध्यात्मिक विद्या भी उनको सीखनी चाहिए, व्यावहारिक शिक्षा भी उनको भली भांति मिलनी चाहिए। कन्हैया समय समय पर उनको समझाते रहते, बेटा ऐसा काम कभी मत करना जो शास्त्र के विरुद्ध है, महापुरुषों का कभी अपमान नहीं करना, संतों को महापुरुषों को अपमानित करने से। और ये शास्त्रीय नियम है कि कभी संतों के साथ में उपहास मत करो, हंसी मत उड़ाओ। संतों का अपराध करने वाला मेरा अपना पुत्र भी है तो भगवान होकर भी मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। बेटा वो त्रिकालदर्शी होते हैं कि साधवो हृदयम महियम, साधूनाम हृदयम त्वहम, क्योंकि मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधु मेरा हृदय है, संत मेरा हृदय है, मेरे बिना वो कुछ जानना चाहते नहीं, उनके बिना मेरी जानने की कुछ इच्छा होती नहीं। संत का अपराध करने वाला मेरा अपना पुत्र भी है, भगवान होकर भी मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। ये प्रभु ने आदेश कर दिया, भगवान के पुत्रों ने शुरू किया। भगवान के पुत्रों ने कहा, पिताजी पे कोई काम तो आता है नहीं, और जब देखो जब संतों की बड़ाई करते रहते हैं, महात्माओं की प्रशंसा करते रहते हैं। कन्हैया ने सोचा, अभी नहीं सुन रहे नहीं समझ रहे तो भोगना भी पड़ेगा। मात पिता गुरु हरि के बानी, भी नहीं विचार करिए सुभ जानी। प्रभु ने सोचा, नहीं समझ रहे नहीं सुन रहे तो भोगना भी इतना इनको पड़ेगा। और ये सब बच्चे घूमते घूमते आज जंगल में चले गए, वहां बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ये सब बैठे। धूना लगा है, महात्माओं का सत्संग चल रहा है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इन बच्चों ने क्या किया कि महात्माओं की जरा परीक्षा लेकर के देखें। त्रिकालदर्शी बोलते हैं, पिताजी इनको जम्बवती का बेटा जो सांब है उसको जनानी साड़ी पहना के कपड़े का पोटला बांध दिया पेट पर। महात्मा ने पूछा, ये नई बहू कहां से आई है? बोले, प्रश्नम विलज्जति साक्षात प्रब्रूता मोघ दर्शना प्रशोष्यंती पुत्र कामा किंसुत संजनीष्यति। ये नई बहू है महाराज, गर्भवती भी है, ये तो चाहती है बिचारी कि मुझे पुत्र हो जाए, लेकिन आप तो त्रिकालदर्शी है ना, बताइए पुत्र होगा कि पुत्री? भगवान बोले, संतों ने कहा, अरे दुष्टो, कृष्ण के बेटे के पेट पर कपड़ा बांध कर के आए हो हमारी मजाक उड़ाने के लिए? इसके गर्भ से लोहे का ऐसा मुशल पैदा होगा जो तुम्हारे खानदान को खत्म कर देगा, तुम्हारे परिवार का विनाश कर देगा। और दोनों में पानी वानी डाल के संत उठ के चले गए। घबराए महाराज जी, सुनिए, बोले, हमारा अपराध करते तो हम सुन लेते, तुमने तो पूरे समाज, संत समाज का अपमान किया है। बच्चों ने पेट से कपड़े हटा के देखा तो लहू पिंड रखा था, और इन सब ने उस लोहे के पिंड को पीस करके उसका चूरा समुद्र में फेंक दिया। महात्मा कहते ही रहते हैं कुछ नहीं होगा, पर महापुरुषों का वचन अमोघ होता है, उनका वचन सत्य होता है। भगवान को पता चल गया, मेरे परिवार के विनाश का कारण भी बना तो मेरा अपना बेटा बना। आश्चर्य, आदरणीय पूज्य नारद जी महाराज पधारे। नारद जी को देखकर के श्री वसुदेव जी ने चरण वंदन किया और उनसे पूछा, अत्यंत क्षेम कल्याण का मार्ग क्या है? नारद जी कहते हैं, जो प्रश्न तुमने हमसे किया है वही प्रश्न राजा जनक ने एक बार नवयोगेश्वरों से किया था। और राजा जनक का नाम था निमि, ये जानकी जी के पिता से कई पीढ़ी पहले हुए थे।
और एक बार निमी महाराज के दरबार में संत पधारे नव योगेश्वर, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्हो त्रुधमिल चमस और करभाजन। इन नव योगेश्वरों को देखकर के महाराज निमी ने उनको प्रणाम किया। बोले दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अच्छा, दुर्लभ होने के बाद ये क्षणभंगुर भी है, एक एक मिनट की गारंटी नहीं है। और उसमें भी दुर्लभ बात है, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठनाथ भगवान के प्रेमियों का संतों का दर्शन सत्संग मिल जाए ये और दुर्लभ बात है। इसलिए पूजा सेवा अर्चना आरती में आपका समय जाया न करते हुए मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आत्यंतिक कल्याण का मार्ग क्या है, भागवत धर्म की परिभाषा क्या है। योगेश्वरों ने कहा, यो वै भगवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धे अंजह पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान ही तान। समाज के कल्याण के लिए, मानवों के उद्धार के लिए भगवान के मुख से जो निश्चित उपदेशात्मक वाणी है वही भागवत है। जो भगवान का हो जाए वो भागवत है। भागवत धर्म की चरम परिणति है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतस्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कायेन शरीर से, वाचा वाणी से, मन से इंद्रियैर्वा मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, स्वभाव से जो कुछ भी करते हो सब प्रभु को समर्पित कर दो, परमात्मा को समर्पण कर दो, यही भागवत धर्म है। मेरा है ये अहम कभी जीवन में आने मत दो। भागवत धर्म पर चलने वाले भी भागवत कहलाते हैं। अरे साहब आप तो परम भागवत हैं, आप तो परम भागवत हैं। भागवत का मतलब भक्त होता है। अच्छा, भक्तों की क्वालिटी होती है, ध्यान देना। नव योगेश्वर कहते हैं प्रथम श्रेणी का भक्त होता है, मध्य श्रेणी का भक्त होता है और तृतीय श्रेणी का भी भक्त होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त वो है जो चैंटी से लेकर हाथी पर्यंत सब में भगवान को देखे। सर्वभूतेषु यः पश्येत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन सवै भागवतोत्तमः। जो चैंटी से लेकर हाथी पर्यंत सब में परमात्मा को देखे वह उत्तम क्वालिटी का भागवत है, उत्तम क्वालिटी का भक्त है। और ईश्वर के साथ में ईश्वरे तदधीनेषु बालेषु जसस्सु च प्रेम मैत्री कृतोपेक्षा यह करोति समध्यम। जो ईश्वर से प्रेम करता है, भक्त से मित्रता करता है, शत्रु की उपेक्षा करता है, मूर्ख पर कृपा करता है वो मध्यम श्रेणी का भक्त है। और केवल अर्चना विग्रह में परमात्मा की पूजा करे और किसी से ज्यादा मतलब न रखे वो तृतीय श्रेणी का भक्त है, तृतीय श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। फिर माया क्या है, माया से छूटने का उपाय क्या है, भगवान के 24 अवतारों की चर्चा, कर्म अकर्म और विकर्म की व्याख्या आदरणीय श्री नव योगेश्वरों ने करी। नारद जी कहते हैं भागवत धर्म की व्याख्या है वसुदेव जी, सब में प्रभु को देखो। सब में प्रभु को देखकर किसी के प्रति द्वेष भाव न आते हुए वही उमा दे राम चरण रत विगत काम मत क्रोध निज प्रभु मैं देख ही जगत कहीं सन कर रहे विरोध। नव योगेश्वर चले गए।
भगवान के पास में आकर के देवताओं ने विनम्र अभ्यर्थना की। प्रभु बोले कहिए। बोले आपने हम लोगों से कहा था कि पृथ्वी का भार जल्दी दूर करके हम आ जाएंगे, भार तो दूर हो गया, आप चलो ना। कंस मारा गया, शिशुपाल दंत वक्त मारे गए, अघासुर बकासुर व्योमासुर अरिष्टासुर केसी धेनुकासुर सब राक्षस मारे गए, अब तो चलो ना प्रभु, पृथ्वी का भार तो कुछ हद तक दूर हो गया। भगवान बोले पृथ्वी का भी सबसे बड़ा भार मेरा अपना खानदान है भाई जी, मेरा अपना परिवार है, और इस परिवार को भी विनाश होने का शाप लग चुका है, थोड़ी प्रतीक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। उद्धव जी को न जाने कैसे पता चल गया कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करके जाने वाले हैं। उद्धव ने आकर गोविंद के चरणों में प्रार्थना की। कितना ही व्यक्ति ज्ञान संपन्न बन जाए लेकिन बिना भक्ति के गोविंद मिलेगा ये कन्फर्म नहीं है, और हम मेरे जीवन में भक्ति आ गई है इसका लक्षण क्या है। बोले त्रिणा दपि सुनी चेरा तरोर अपि सहिष्णुना अमानी नामान देना कीर्तन ही सदा हरि। अपने आप को तिनके से भी ज्यादा छोटा समझना, हमेशा दूसरों को सम्मान देना, अपने सम्मान की कभी भावना नहीं रखनी, कभी इच्छा नहीं रखनी। नहीं जिंदड़ी दा कोई विशाल कन्नी बाहो के चल बंदे यार। असी पंजाबियां दे अचार हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं जिंदड़ी दा कोई विशाह के नी बाहो के चल बंदया, नहीं जिंदड़ी दा कोई विशाह के नी बाहो के चल बंदया, नहीं जिंदड़ी दा कोई विशाह के नी बाहो के चल बंदया, नहीं जिंदड़ी दा कोई विशाह के नी बाहो के चल बंदया। श्याम जी तू भावे ना,
कामी मेरी शाम जी नु भावे ना, कामी को दिलो भी ओ दी भक्ति नु पावे ना, कामी को दिलो भी ओ दी भक्ति नु पावे ना। चढ़ के मोह माया तिनी बाहु के चल बंदिया, ओ चढ़ के मोह माया तिनी बाहु के चल बंदिया, कामी अनु रब अनुरब मिलना नीवा होके चले बंदिया। उद्धव जी ने गोविंद के चरणों में
प्रार्थना की। मैं सुन रहा हूं, अपनी लीला को संपन्न करके आप जाने वाले हैं, मैं नहीं रहूंगा संसार में, मुझे भी अपने साथ में ले चलो मुरलीधर। भगवान कहते हैं पहले तो तुम इस भ्रम को निकाल दो मन से कि मैं कहीं जाता या आता हूं। देखो उद्धव, लोगों को मैं दिख जाता हूं तो लोग कहते हैं भगवान आ गए, और नहीं दिखता हूं तो कहते हैं भगवान चले गए, लेकिन वास्तव में मेरा न कहीं आना होता और न कहीं जाना होता। उद्धव ने कहा तुम आगे कलयुग आ रहा है केशव, और कलयुग में आपको पाने का सहजतम तरीका क्या है। भगवान कहते हैं सुनो, पहली बात तो यह है कि एक म्यान में कभी दो तलवार आती नहीं, रखोगे तो म्यान टूट जाएगी, फट जाएगी। हमारा जो मन है ना, इस मन में या तो दुनिया को बिठा लो या फिर मुझको बिठा लो, ये स्थिति है मन की जी। ये काम्य कर्मों का जो न्यास है ना, उसी को संन्यास कहते हैं। जहां सिर्फ संन्यास्त ही बचता है, बाकी सब निवृत्ति हो जाती है, इसी का नाम संन्यास है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः जी। उद्धव ने कहा मान लीजिए मैंने गृहस्थ आश्रम त्याग दिया, मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं अवधूत बन जाऊं, तो मेरी वृत्ति कैसे होनी चाहिए, मेरा जीवन वृत्त कैसा होना चाहिए, सन्यासी को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। पर देखो उद्धव, जो प्रश्न तुमने हमसे किया है वही प्रश्न राजा जनक, वो हमारे यदु महाराज ने एक बार पूछा था दत्तात्रेय जी से। 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार है ना दत्तात्रेय, दत्त भगवान। यदु ने उनके पास आकर के बड़ा अजीब तरीके से प्रश्न किया, बोले बाबा क्या खाते हो, बड़े हृष्ट पुष्ट हो, आसपास में कोई गांव दिखता नहीं है, कोई नगर दिखता नहीं है, आपके भोजन की व्यवस्था कौन करता है। आप कहोगे नहीं मैं तो त्यागी हूं, तो त्यागी आप कैसे हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ। पर उस त्याग में ऐसी कौन सी विशेषता आपको लगी जिसके लिए आपने सब कुछ त्याग दिया, आपने सब सीखा कहां से। दत्तात्रेय जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और यदु से बोले बेटा, वैसे मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं, जो कान में मंत्र देते हैं ना, ब्रह्म संबंध जो जोड़ते हैं, वो गुरु तो जीवन में एक ही होते हैं, लेकिन जिनसे अपन को शिक्षा मिलती है वे गुरु जीवन में अनेक हो सकते हैं। और शिक्षा हमें कोई भी दे सकता है, पक्षी भी शिक्षा देता है, पशु भी शिक्षा देता है, पृथ्वी भी शिक्षा देती है, आकाश भी शिक्षा देता है, तो मेरे जीवन का पहला गुरु पृथ्वी ही तो है, और मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर के शिक्षा पाई कि महात्मा को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। मेरा दूसरा गुरु है वायु, वायु को गुरु बनाकर मैंने सीखा, वायु चलती तो है पर कभी दिखाई नहीं देती, किसी को दिखती क्या। मैंने पूछा क्यों जी, अब हवा लग रही है। आपने पूछा मत पूछो ठाकुर जी, बहुत आनंद आ रहा, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अरे हमने कहा हमको तो पसीने आ रहे थे, हम इसलिए पूछ रहे, तुमको तो लग रही है हवा, पर जरा बताना वो काली वाली हवा है कि पीली वाली। आपने कहा क्या मतलब। मैंने कुछ हवा का कलर कैसा है, काला पीला हरा गुलाबी लाल बैंगनी। आप बोले महाराज दिखती तो है नहीं, शरीर को तो छू रही है। तो मैंने हवा को गुरु बनाकर के सीखा कि हवा चलती है पर दिखती नहीं है। इसी प्रकार संत सन्यासी को चाहिए अपने उपदेश से समाज का राष्ट्र का कल्याण करे, पर ये कभी मन में न सोचे कि दुनिया मुझे पहचाने। आकाश को गुरु बनाकर मैंने सीखा, आप जानते हैं दुनिया का कोई वैज्ञानिक कोई गणितज्ञ नहीं बता सकता कि आकाश कितने फिट लंबा है कितने फिट चौड़ा है, किसी को मालूम है। अनंत आकाश है, तो जैसे आकाश अनंत है वैसे परमात्मा भी अनंत है। इसलिए चिंतन अनंत का करो, सेवा अनंत की करो,
जिसका अंत हो रहा है उसकी सेवा से तुम्हें मिलेगा क्या। एक और बात आपसे कह दूं, ये राम और कृष्ण दोनों का नील वर्ण क्यों होता है कि जहां अनंतता होती है वहां कलर नीला हो जाता है। आप किसी बहुत बड़े सरोवर के पास में जाओ जिसमें अथाह पानी भरा हो, अथाह पानी जिस सरोवर में भरा हो उसमें गहराई तक देखो तो नीला नीला पानी दिखेगा। आकाश में यदि कुछ अंत नहीं है तो आपको आकाश में नीला दिखाई देगा, क्योंकि इसका अंत नहीं है। इसलिए हमारे राम और कृष्ण दोनों का जो स्वरूप है वो आकाश के समान है। तो मैंने देखा कि आकाश जैसे अनंत है वैसे परमात्मा भी अनंत है। पानी को भी हमने तो गुरु बना लिया। बोले महाराज पानी से क्या सीखा? बोले ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए और अनको शीतल करही आप शीतल हो। वाणी को इतना शीतल बनाए महात्मा किसी को क्लेश न पहुंचे, किसी को कष्ट न पहुंचे। अग्नि को मैंने तुरंत गुरु बनाया और अग्नि से सीखा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। संत के जीवन में ज्ञान रूपी अग्नि जलती रहनी चाहिए। बिना ज्ञान की अग्नि में जले कर्म नष्ट होंगे कैसे? चंद्रमा को गुरु बना के मैंने आत्मा के बारे में सीखा। आप तो जानते हैं, देखो प्रतिपदा को चंद्रमा छोटा होता है, दूज को बड़ा होता है, तीज को और बड़ा, चतुर्थी को और बड़ा, पंचमी को और बड़ा, पर चंदा कभी बड़ा छोटा होता है क्या? अरे उसकी कला छोटी होती है, कला बड़ी होती है, चंद्रमा कभी छोटा बड़ा होता ही नहीं। इसी प्रकार से हमारा शरीर छोटा होता है, मोटा होता है, तगड़ा होता है, लंबा होता है, गोरा होता है, काला होता है, आत्मा कभी नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मोटी पतली दुबली लंबी होती है, आत्मा तो एक जैसी है। और ध्यान देना, 7 महीना के गर्भस्थ शिशु की जैसी आत्मा है वैसी ही आत्मा 95 वर्ष के बूढ़े बाबा की भी होती है। मैंने सूरज को गुरु बनाकर के सीखा कि संत की दृष्टि अभेद होनी चाहिए। सूर्य जब प्रकाश देता है तो ये कभी नहीं देखता कि मेरी गंदगी, मेरा प्रकाश मंदिर के शिखर पे जा रहा है कि बाथरूम में जा रहा है, उसे तो प्रकाश देने से मतलब है। ऐसे गुरुजी को भी ये भाव नहीं रखना चाहिए कि ये लोग मेरे में, इनको उपदेश करूंगा उनको काय को करूं। जितने लोग उपदेश से लाभान्वित हो ये प्रयास गुरु को करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कबूतर को गुरु बनाया, बच्चे और पत्नी के मोह पास में ऐसा फंसा कि बहेलिया ने जाल में फंसा लिया। एवं कुटुंब शांत आत्मा दंदा राम पतत्रिवत। ऐसे कुटुंब के प्रति यदि व्यक्ति की आसक्ति होगी तो कुटुंब की आसक्ति ही उसको कबूतर की तरह मोह के जाल में फंसा लेगी। महात्मा के लिए सारी दुनिया अपनी है और कोई अपना नहीं है, क्योंकि उदार चरितानाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया उसकी अपनी है और कोई उसका अपना नहीं है, यह भाव अंतर हृदय में जागृत रखो। ठीक है महाराज, अजगर को गुरु बना के सीखा कि महात्मा हो जाने के बाद में टेंशन नहीं करना, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो और अच्छा, उसके लिए सोचना क्यों, उसके लिए चिंतन को ज्यादा बढ़ाना क्यों। ऐसे महात्मा के जीवन की प्रवृत्ति होनी चाहिए, महात्मा के जीवन की वृत्ति होनी चाहिए। अजगर करहिन चाकरी पंछी करहिन काम, दास मलूका यो कहें सबके दातारा। मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो और बढ़िया। यह उपदेश सन्यासी के लिए है, गृहस्थ के लिए नहीं है। ध्यान देना, गृहस्थों को तो कर्म योगी ही होना चाहिए। मैंने पतंगे को गुरु बनाया। पतंगा जब बारिश के दिनों में अग्नि जहां जलती है वहां पतंगा आकर के मंडराने लग जाता है और जलकर के राख हो जाता है, पर उस पतंगे को कुछ मिलता नहीं है। जो संत बन गया, ध्यान देना, जिसने संन्यास ग्रहण कर लिया, उसको कभी भी नारी का संग नहीं करना चाहिए। यदि नारी का संग करेगा संन्यास लेकर तो पतंगे की तरह जलकर के भस्म हो जाएगा, न इधर का रहा न उधर का रहा। मैंने गजराज को गुरु बना के सीखा
आपको मालूम है जो हाथी को पकड़ते हैं एक गड्ढा खोद देते बहुत बड़ा, उस पर घास फूस ऐसे पाट देते और एक कागज की मूर्ति बनाते हाथी की, उसके पैरों में चक्का लगा देते, हथनी बनाकर काला पेंट करके गड्ढे के ऊपर घास पर खड़ा कर देते। अब जंगली हाथी उसको सच्ची हथनी समझ करके पकड़ने के लिए दौड़ता है, एक आदमी हथनी को खींचता जाता है और हाथी गड्ढे में गिर जाता है। तो पदापीयतिम भिक्षो न स्पृशेदार विमपि, लकड़ी की बनी हुई स्त्री को भी महात्मा को पैर से छूना भी मना है, और सत्य की इतनी की तो बात छोड़ो, लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श सन्यासी के लिए वर्जित है। जी महाराज, मैंने भौरे को गुरु बनाया, फूल के रस को चूसता है, गंदगी कभी नहीं लेता। आप कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, अच्छा उपदेश सुने, उसको ग्रहण करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें। किसी की वैयक्तिक जिंदगी में झांकने की हमें क्या जरूरत है? अच्छा जो मिल गया उसको ग्रहण कर लो, वो व्यक्तिगत रूप में क्या है इसमें हमको जाना नहीं चाहिए। मैंने भौरे से एक और शिक्षा ग्रहण की। देखो, भौरा लकड़ी को काट सकता है पर फूल में बंद हो जाए तो नहीं काट पाता, क्योंकि फूल के प्रति उसकी ममता है। एक कोई भौरा कमल के फूल में बंद हो गया, क्योंकि कमल का फूल सूरज निकलते ही खिल जाता है और सूरज बंद होते ही ऐसे हो जाता है। अब जो भ्रमर लकड़ी को काट सकता है वो फूल की पंखुड़ी काट के निकल जाता, इसमें कोई देरी तो नहीं लगती उसे। लेकिन भोरा मन में सोचने लगा कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भाष्वानुदिश्य शिवदिश्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्त्यति कोऽस्य गते द्विरेफे हंत हंत नलिनीं गजयुज्जहार। भोरा कहता है रात्रि जाएगी, सुप्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, तब तक जितना रस चूसते बने चूस लूं, सवेरे तो उड़कर निकल जाऊंगा। इतना वो सोच ही रहा था कि किसी हाथी ने कमल के फूल को तोड़ करके स्वाहा, नाश्ता में चले गए। ये भी चाहता तो निकल जाता। यद हरेव विरज्जेत तद हरेव प्रब्रजेत, जिस समय मन में विरक्ति आवे सर्वस्व त्याग दो। तारीख मत बदलो। अरे भगत जी, भजन किया करो। कर लेंगे महाराज, चार बेटा है, तीन की शादी हो गई, लास्ट वाले की शादी और हो जाए, अपन तो वृंदावन चले जाएंगे, एक छोटी सी कुटिया बना लेंगे, उधर ही भजन करें, हमारे कोई ममता थोड़े ही है। शादी हो गई, महात्मा फिर उधर से निकले, क्यों क्या सोचा? बोले महाराज, अब एक पोता का मुंह देख लूं, कब जीवन मिलेगा। पोता हो गया, महात्मा फिर आ गए। ये महात्मा भी जिसके पीछे पड़ते हैं फिर पड़े ही जाते हैं, क्यों? पोता स्कूल जाने लग गया, अब तो माला जपना शुरू कर भले आदमी। बोले महाराज, अभी अब देखो, बुरा मत मानना, मैं सोच रहा हूं कि पोता की शादी और देख लूं, कब कब जिंदगी मिलती है। तो करिष्यामि 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 इति चिन्तयेत् मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। मैं करूंगा 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 करते करते मरूंगा, ये भूल जाता है। दोय बातन को याद रख, जो चह निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। किसने देखा है? जी, मैंने एक नन्हे से बच्चे को गुरु बनाया, उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो रोने लगा, लड्डू दिया तो हंसने लगा। नमी माना भवानोस्तु न चिंता गेह पुत्रिणा आत्मक्रीड आत्मरति विचरामी हम बालवत। मैं मान सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ता, सम्मान भी शरीर का होता है, अपमान भी शरीर का होता है, अरे मैं तो आत्मा हूं, और इसका तो न कभी सम्मान न कभी अपमान, आत्मा तो नित्य शाश्वत अविनाशी है। सही कहा आपने महाराज। मैंने कुमारी कन्या को गुरु बनाकर सीखा, अकेले रहो। और शादी से पहले बेटी को देखने आते हैं लोग, आजकल तो गाड़ियों में भर के जाते हैं, पड़ोसी, सामने वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले,
बेचारा बेटी का जो पिता है बड़ा सत्कार करता है, इनके लिए कालीन बिछाएगा, धूप बत्ती जलाएगा, नाश्ता ठंडा गरम सब खिलाएगा, और जो आया है देखने उसमें है कुछ नहीं और नखड़े का ठिकाना ही नहीं है। जब चलने लगेंगे और डरते डरते बेटी का बाप पूछेगा, मेरी बेटी आपको कैसी लगी? बोले हम फोन कर देंगे कैसी लगी, फिर वहां से फोन आता है हमको पसंद नहीं, अरे तो फिर इतना नाश्ता काय को खाया, बोलो जैसे कृष्ण इतनी पूजा तो भगवान की करे तो भगवान राजी हो जाए, ठंडा भी गर्म भी और सब कुछ खा पी भी गए, फिर फोन कर दिया पसंद नहीं आई। ये फूहड़पन मेरे राष्ट्र में पहले कभी नहीं था। एक कन्या को देखने के लिए आए, पिताजी थे घर में, माँ मामा के घर गई, दादी जी आई थी, दादी सासू बड़ी पसंद आ गई, हार पहनाया, चूड़ियां पहनाई, और बोले देखो जी आपकी बेटी तो हमारी बहू हो गई, अब मैं तो इसी के हाथ का दाल भात खा के जाऊंगी। दादी जी अड़ गए, पिता ने कहा बेटी माँ तो तेरी मामा के घर है, अब इनके लिए तुम ही बनाओ बढ़िया से। बेटी ने देखा घर में चावल तो है नहीं, धान है, किसान की बेटी, सो धान ओखली में डाल के कूट कर चावल निकाल रही है, तो चूड़ियां बज रही थी खन 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 खन, कांच की चूड़ी। बेटी ने कहा लोग कहेंगे बड़ा गरीब है, घर में चावल नहीं है, धान कूट के निकाले जा रहे, मेरे पिता की इज्जत नंबर दो पे आ जाएगी। एक बात कहूं, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर पुत्री कुपुत्री कभी नहीं होती, पक्की बात है। बेटा से गलतियां हो जाती हैं व्यवहारिक जगत में, लेकिन पिता की इज्जत का जितना ख्याल बेटी रखती है उतना बेटा नहीं रख पाता, पक्की बात है। उसने 10-10 चूड़ियों में से 6-6 चूड़ी निकाल दी और धान कूटने लगी, 4 चूड़ी बच रही है, बेचारी के मन में चिंता, 2-2 चूड़ी और निकाल दी, धान कूटते तो 2 चूड़ियां भी बज रही हैं। इसने कहा बिल्कुल पूरा तो नहीं उतारूंगी, क्योंकि सौभाग्य की बात है। एक एक चूड़ी उसने हाथ में रखी महाराज, और जैसी धान कूटने लगी चूड़ी बजना बंद। दत्तात्रेय बोले हम खिड़की में से देख रहे थे बिटिया का नाटक, और उसको हमने गुरुओं की लिस्ट में लिख लिया, और मालूम है क्या सीखा कि बासे बहूनाम कलहो भवेत वार्ता द्वयोरपि एकैव चरे साधो कुमार जा इव कंकण। अकेला ही रहो, चूड़ियां जब तक ज्यादा थी बज रही थी, अकेली चूड़ी हो गई तो बजना बंद। कहते हैं ना रमता जोगी बहता पानी निर्मल होता है, एकांत सेवन करे महात्मा अच्छी बात है। मैंने मछली को गुरु बना के सीखा, जीव की कमजोरी से फंस जाती है। जी भैया मैंने तो एक बाण बनाने वाले व्यक्ति से भी शिक्षा प्राप्त की, बोले उससे आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि एक आदमी बाण को पहना रहा था, राजा की चतुरंगणी सेना निकल गई, उसे पता ही नहीं चला, सेना कब निकल गई उसको मालूम ही नहीं चला। ऐसे ही मन की एकाग्रता यदि हो जाए, कुछ लोग कहते हैं कैसे भजन करें महाराज, पड़ोसी बड़ा डिस्टर्ब करता है। मैंने कहा डिस्टर्ब बाहर नहीं होता, वो तुम्हारे दिल में बैठा है। जिसका मन एकाग्र है वो दिल्ली में रहकर भी गोविंद को पालेगा। हाँ वो मोहल्ले पड़ोस में रहकर फ्लैट में मकान में बंगले में क्वार्टर में रहकर भी गोविंद को पाएगा, और जिसका मन एकाग्र नहीं है वो वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में भी चला गया ना तो उसको फुब्बारे दिखाई देंगे, उसको बिहारी जी दिखेंगे ही नहीं। ये चिंतन ही तो सबसे बड़ी चीज है। मैंने एक भृंगी नाम के कीट को गुरु बनाया, भृंगी कीट किसी भी कीड़े को लाकर अपने जाल में फंसाता है, और वो कीड़ा टकटकी लगा करके उसको देखता है, देखते देखते वो कीड़ा भी भृंगी कीट बन जाता है। उसको गुरु बना करके यदु मैंने शिक्षा प्राप्त की, कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में गई मैं हुए गई लाल।
ब्रह्म में तो ब्रह्म ही भवति, चिंतन परमात्मा का करो। और ध्यान देना, जिसका तुम चिंतन ज्यादा करते हो उसके हाव भाव तुम्हारे जीवन में आने लगेंगे। गीता में कृष्ण कहते हैं कि भूतानि जानति भूतेज्या यान्ति मद्याजनोपिमाम। जो व्यक्ति भूत प्रेत की पूजा करते हैं मरने के बाद वो भूत प्रेत बनेंगे, ये कन्फर्म है। और जो राम कृष्ण की उपासना करते हैं वो राम कृष्ण को पा जाते हैं। भूतों की उपासना करने वाला मरने के बाद भूत बनेगा ये तो पक्का है ही, जीवित अवस्था में भी उसका चेहरा भूत जैसा ही हो जाता है। भगवान भूत को बाद में देखो, उसको पहले देख लो। आप देखना वो झाड़ा पूछा जो करते हैं ना भूत प्रेत वाले, उनका चेहरा देख के डर लगता है क्योंकि भूत 24 घंटे उन पर सवार रहता है। उपासना गोविंद की करो। मैंने एक जगह पढ़ा था, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जो बंगाल में अद्भुत संत हुए, एक बार वो हनुमत उपासना करते, हनुमान जी की पूजा करते, अर्चना करते, फिर उनका चिंतन बहुत करने लगे और इतने उनकी उपासना ऊंची पड़ गई कि धीरे 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 उनकी भाव भंगिमाएं हनुमान जी जैसी होने लग गई। और एक बार तो ऐसा आया कि उनके पीठ में 1 इंच की पूंछ निकली आई। बोलो जय श्री कृष्ण। यो यह श्रद्धस्य एव स, जिसमें तुम श्रद्धा करते हो उसके सदगुण या उसके दुर्गुण तुम्हारे जीवन में जरूर आएंगे। इसलिए श्रद्धा गोविंद में करो, श्रद्धा राम में करो। और अंतिम गुरु मेरा शरीर है, यह शरीर हमें अहर्निश शिक्षा देता है। शरीर शिक्षा क्या देता है? और 3 बजे गद्दी पर बैठते समय जैसा शरीर था वैसे 4:55 पर अब नहीं है, और अब जैसा है वैसा 6 बजे तक नहीं रहेगा। यही तो शरीर शिक्षा देता है। हम सवेरे जैसे थे शाम को नहीं है और अब जैसे हैं सवेरे नहीं रहेंगे। इसलिए चिंतन आत्मा का करो, शरीर से तुम भिन्न हो। यदु महाराज अब प्रणाम करके वहां से चले गए। अब इस बात को सुनकर के उद्धव को बहुत अच्छा लगा और कृष्ण से बोले, एक बात बता दो, बंधन क्या होता है और मुक्ति क्या होती है? प्रभु ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मन। पक्की बात है, विषयों के प्रति मन की आसक्ति ही बंधन देती है, और मन विषयों से अनासक्त होकर गोविंद में लग गया यही मुक्ति है। एक बात आपसे और कह दें, ये मरने के बाद कोई मुक्ति भुक्ति मिलती है ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आत्मा का बोध जिसे हो जाए वो जीवित ही मुक्त है, और आत्मबोध जिसे नहीं हुआ वो 1000 बार मरने पर भी मुक्त नहीं होता। इसलिए आत्मबोध बढ़े एक प्रयास करो। भगवान ने अपनी समस्त विभूतियों के बारे में बताया, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईसित्व वसित्व दूर श्रवण दर्शन पर काय प्रवेशन, ये सब मेरी विभूतियां हैं। चारों जगों में सतयुग में हूं, चारों वेदों में सामवेद में हूं, जितने तीर्थ हैं उनमें गंगा में हूं, तीर्थानाम स्रोतसाम गंगा, और देवताओं में अक्षुत श्री कृष्ण में हूं यानी नारायण में हूं। भगवान शिव मेरा अपना स्वरूप है, आदित्यों में विष्णु में हूं, और जितने भी पुरोहित हैं उनमें वशिष्ठ जी महाराज मेरा स्वरूप है, ज्ञानी संतों में बृहस्पति में ही तो कहलाता हूं, प्रेमियों में अर्जुन मेरा अपना रूप है, भक्तों में प्रहलाद मेरा अपना रूप है, और जितने अक्षर हैं उनमें अकार मेरा रूप है, मंत्रों में ओंकार मैं हूं। ओंकार जो है वो परमात्मा कृष्ण का स्वरूप ही तो है, और ज्ञानियों में उद्धव तुम भी तो मैं ही हूं, वृक्षों में पिप्पल मेरा रूप है, और जितने जलाशय हैं उसमें समग्र रूप से मैं प्रतिष्ठित रहता हूं। 4 प्रकार की मुक्ति होती है, शालोक्य शास्त्री साम्यप्य सारूप्य, और 5वीं होती है एकत्व। लेकिन मेरा भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगता, शालोक्य सारूप्य सारूप्य जितनी मुक्तियां हैं
दीयमानम न गृहन्ति बिना मत सेवनम जना, भक्त तो मेरा प्रेम मांगता है, मेरी भक्ति मांगता है और मुझे मांगता है। और उसकी विनम्रता देखो, उसकी दीनता देखो, ये भक्त की दीनता। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी की कविताएं पढ़ी हो, सूरदास जी लिखते हैं मौसम कौन कुटिल खल काम। बताओ वो कुटिल है, वो खल है, वो कामी है। ओ हरि पतित पावन सुने, ओ पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। ये भक्त की दीनता है, अपने आप को निकृष्ट मानता है। पर सुदामा जी ने भी सुबेरे के प्रसंग में कहा कि क्वाहम दरिद्रो पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुर जिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। यह भक्त का दैन्य है कि अपने आप को निकृष्ट मानता है, निकृष्टतम मानता है। ऐसा वो होता नहीं है। इस कथा में मैंने बिंदु जी के बहुत पद कहे। हमारे ब्रजमंडल के बड़े महान संत थे बिंदु जी। इस कथा में अधिकांश मैंने उनके पदों को कहा, बड़े मार्मिक शब्द होते हैं। उन्हीं की वाणी है, न तो रूप है न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण में लें इसी सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है न तो रंग है, न तो रूप है न तो रंग है, गुणों की कोई भी खान है, तेरे शाम कैसे शरण ले इसी सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है न तो रंग भरे हैं, फिर तुम्हारे द्वार पे आऊं कैसे, डर लगता है। मन क्रम वचन से विचार से लगी लो है इस संसार से, मन क्रम वचन से विचार से लगी लो है इस संसार, में लो लगी है,
सपने में भी गोविंद के प्रति ध्यान है ही नहीं, कैसे शरण में लगे मुझे। तो है यही क्यों करेंगे मुझ पर कृपा नहीं, एक दीन ताका हूं बिंदु में वो कृपालुता के निधान है। मैं तो दीनता का बिंदु हूं और दीनता का बिंदु जब कृपा के सागर में जाके मिल जाए तो बिंदु कहां रह जाता है, वो भी तो सागर हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान कहते मेरा भक्त उद्धव मांगता कुछ नहीं और मांगता नहीं इसलिए मैं सर्वस्व दे देता हूं। कोई योग मांगे, कोई साधना मांगे, धन संपत्ति वैभव मांगे, मैं कहता हूं ले लो मेरा पीछा छूटा। लेकिन जो कुछ नहीं मांगता उसको तो मैं अपने आप को दे देता हूं। यही तो भक्ति है। और मैंने जब तुम्हें उपदेश किया है उद्धव अब तुम बदरिकाश्रम जाओ और वहां जाकर के बस ध्यानस्थ हो जाना, मेरे चरणों से निकली गंगा अलकनंदा वहां बहती है उसका आचमन दर्शन करना और इस कथा का जो सुनी है चिंतन मनन और निधिध्यासन करना तो मैं मेरी प्राप्ति हो जाएगी। उद्धव से प्रभु और बोले सुनो
मेरा विदुर तुम्हें कहीं मिले तो उसको मेरा समाचार कहना। उधर रुक गए, देखूं तो सही आगे होता क्या। यदुवंशियों की मति बिगड़ गई कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मते पहले हर लही। यदुवंशियों की मति एकदम विकृत हो गई, धनुष्मान तलवार बल्लम फर से खड़कने लगे, छोटों का प्यार बड़ों का सम्मान खत्म होने लगा, कुमती ने जन्म ले लिया, एक दूसरे पर वार करने लगे, मारने लगे। कृष्ण बलराम दौड़े, अरे क्यों झगड़ते हो, अरे भाई क्या बात है, अरे क्यों तुम लोग ऐसा करते हो। भगवान को ही मारने दौड़ पड़े, मति बिगड़ गई ना। मेरे गोविंद ने कहा भाई जी यह तो होना था। और लड़ते लड़ते सब यदुवंश का विनाश हो गया। बलराम जी महाराज शेषनाग बनकर क्षीर सागर में चले गए और कृष्ण रथ पर आसीन होकर प्रवास क्षेत्र में आ गए। एक पिप्पल के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण अर्धसैनावस्था में ध्यान देना। और जो लोहे का पिंड पीस करके यदुवंशियों ने समुद्र में डाला था, उस पिंड के किसी टुकड़े को मछली निगल गई और मछली के दर्द से वो टुकड़ा निकालकर किसी बहेलिया ने अपने बाण के अग्रभाग पर लगा लिया। मेरे गोविंद तो अर्धसैनावस्था में है। उस बहेलिया ने दूर से निशाना साध कर बाण चलाया, कृष्ण के चरण के तलवे को लाल रंग देखा, उसे लगा कोई हिरण बैठा है क्या। और जैसे बाण गोविंद के चरणों में आके लगा, बहेलिया दौड़ा दौड़ा, हे भगवान ये मैंने क्या किया, द्वारिकाधीश आपको बाण मार दिया मैंने, क्षमा करें मुझे, मैंने तो कोई हिरण समझा, गलती हो गई, अपराध हो गया। प्रभु ने कहा यहां मां भीर जरे तम उत्तिष्ठ कामेश कृतो हि मे या हि तुम मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृतिनाम पदम। मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, बहेलिया जाओ और तू स्वर्ग में स्थापित होकर के बड़े बड़े सुकृतियों के पद को प्राप्त करेगा। इतने में ही वहां अर्जुन आ गए, पानी लेने गए थे, गोविंद के चरणों में बाण को लगे अर्जुन ने देखा, प्रभु ये कैसे हुआ, किसने किया है दुष्टता, किसने किया है अपराध, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा जिसने ऐसा किया। प्रभु ने कहा अर्जुन यहां आओ। और अर्जुन पास में आया तो गोविंद बोले सुनो तू मेरा मित्र भी है, तू मेरा भाई भी है, और सबसे बड़ी बात तू मेरा शिष्य भी है। अर्जुन शिष्य है कृष्ण का, शिष्यस्ते हम शाधिमान ताम प्रपन्नम, गीता में आदेश कर दिया। एक काम करेगा मेरा, अर्जुन बोले जी द्वारिका जाओ तुरंत, और द्वारिका में जो हमारी पत्नियां हैं ना उन सबको द्वारिका से वृंदावन ले जाओ, वे राधा रानी के चरणों में रहेंगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। अर्जुन से कृष्ण के आदेश का पालन करके कृष्ण पत्नियों को लेकर चले तो स्वयं कृष्ण ही गोप बनकर के गए और अर्जुन से अपनी पत्नियों को हर लिया, ये बताने के लिए कि तेरा गांडीव धनुष भी मेरे बिना काम नहीं कर सकता। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। परीक्षित तुम्हारे बाबा अर्जुन उन पत्नियों को लेकर के वृंदावन जा रहे थे, कृष्ण ने बीच में हरण कर लिया। इतने में आया दारुक सारथी, बड़ा विचित्र पात्र है ध्यान देना, जैसे रामायण का विचित्र पात्र है शत्रुघ्न, राम कथा में शत्रुघ्न ऐसा पात्र है जिसका निवेदन तो मिलेगा लेकिन प्रतिवेदन नहीं मिल सकता, जिसका निवेदन भी इशारों में होता है प्रतिवेदन का तो प्रश्न ही नहीं उठता, जो मौन पात्र है लेकिन बड़ा सशक्त पात्र है। ऐसे ही मेरे गोविंद की लीला में एक ऐसा पात्र है जो छाया की तरह हमेशा कृष्ण के साथ रहा,
जिसका नाम है दारुक। ये भगवान का सारथी है, ड्राइवर है, मेरे गोविंद के रथ को जिसने हमेशा चलाया। और इतना विचित्र, भगवान जब रथ से उतरते तो दारुक सारथी का कंधा पकड़कर उतरते और वो उनके महल तक उनको छोड़ के आता, कक्ष तक। और जब प्रभु तैयार होकर निकलते तो दारुक के कंधे पर हाथ करके चलते, इतना प्यार करते उससे। और जब भगवान अपनी सभा में बैठकर उपदेश करते, प्रभु की सभा का नाम है सुधर्मा, और सुधर्मा सभा में जब कृष्ण बैठते तो दारुक पीछे खड़ा खड़ा उन्हें पंखा करता। एक दिन श्री कृष्ण उपदेश कर रहे थे और दारुक सारथी पंखा कर रहा था पीछे खड़ा। बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी बैठे थे और हुआ ऐसा कि दारुक के मन में लगा, मैं कितना भाग्यवान, कितना पुण्यात्मा, प्रभु की सेवा का मुझे अवसर मिला और इतना प्रेमार्द्र हो गया कि वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। अब आज आई, कृष्ण ने देखा क्या हुआ, देखे तो पीछे सिंहासन के दारुक सारथी पड़ा है। मेरे गोविंद तुरंत चार भुजा धारण कर लिए, दो भुजाओं से दारुक सारथी को उठाए और एक भुजा से उसको पंखा कर रहे हैं। डेढ़ घंटे बाद दारुक को होश आया और जब दारुक को होश आया तो देखा गोविंद की आंखों से आंसू झर रहे और दारुक का सिर प्रभु के गोद में है, भगवान के नेत्रों से आंसू झर रहे। और दारुक से बोले, मैं बड़ा प्रसन्न हूं दारुक, तेरी भक्ति से, तेरी भावना, श्रद्धा, सेवा से। चल तू वरदान मांग ले, क्या चाहिए। दारुक ने हाथ जोड़कर कहा, मैं मांगूंगा वो दोगे केशव। बोले, हां दूंगा, मांग चाहिए, क्या चाहिए। तो स्वर्ग भी मांगेगा दे दूंगा, तुझे इंद्र का पद भी हम प्रदान कर सकते हैं। दारुक बोला, मुझे तो एक एक वर दे दो। दुनिया भक्ति मांगती है, दुनिया प्रेम मांगता है, और दारुक सारथी भगवान से कहता है, आपकी भक्ति मेरे दिल से हमेशा के लिए निकल जाए, आपका प्रेम मेरे हृदय से निकल जाए, मुझे यही वरदान दे दो। भगवान बोले, पागल, जिस प्रेम के लिए ब्रह्मा तरसते हैं, जिस प्रेम के लिए देवराज इंद्र तरसता है, जिस मेरी भक्ति के लिए बड़े बड़े मनीषी नाक बंद करके समाधि लगाते हैं, उन्हें नहीं मिलती, और वो भक्ति तुझे मिली हुई है, तू कहता मुझे भक्ति नहीं चाहिए, मुझे प्रेम नहीं चाहिए, क्यों। मालूम है दारुक ने क्या जवाब दिया, हे गोविंद, जिस भक्ति की वजह से, जिस प्रेम की वजह से मालिक को स्वयं सेवक की सेवा करनी पड़े, ऐसा प्रेम मुझे नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति मुझे नहीं चाहिए। यदि ये भक्ति मेरे मन में न होती, यदि ये प्रेम मेरे मन में न होता तो मैं मूर्छित क्यों होता, और मैं मूर्छित नहीं होता तो मेरे कोमल गोविंद को मुझे गोद में क्यों उठाना पड़ता, और घंटों आपने मेरा पंखा किया, ये सेवा आपने मेरी की, ऐसी भक्ति मुझे नहीं चाहिए। मैं तो आपके चरणों में रहकर ही जीवन व्यतीत करूंगा। आज वही दारुक सारथी आया और गोविंद के चरणों में बाण को लगे देखा, बच्चों की तरह रो पड़ा, ये क्या हुआ मेरे प्रभु, ये कैसे हो गया। भगवान का दारुक, मेरे पास आओ और सीधे द्वारिका जाओ, और द्वारिका में जो 10-20-50 यदुवंशी बच्चे हैं उनसे कहना वो तुरंत द्वारिका खाली कर दें, क्योंकि मेरे अंतर्धान होते द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। अब दारुक बड़ी दुविधा में पड़ गया, इस अवस्था में भगवान को छोड़कर के जाना, मालिक को छोड़कर जाना, ये सेवक धर्म के विपरीत है, और मालिक की आज्ञा नहीं मानना भी धर्म के विपरीत है। पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है, द्वारिका की ओर चल रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, आकाश में अनंत देवताओं की भीड़ लगी है, ब्रह्मा, वरुण, यम, कुबेर, सूर्य, चंद्र, इंद्र सब खड़े हैं, सबके रथ सजे हैं, भगवान हमारे विमान में आएंगे, हमारे विमान में आएंगे। और उन समस्त देवताओं के देखते 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 मेरे गोविंद एक क्षण में अंतर्धान हो गए। और स्वकीयं यद् भवेत् तेजो तच्च भागवते दधात्। श्री कृष्ण का जो अपना तेज है उस तेज को भागवत में प्रवेश करके उसमें चले गए। लेकिन यहां व्यास जी एक निर्देश देते हैं कि यो वेत्ति भौतिकं रूपं कृष्णस्य परमात्मनः सशूद्रवद् बहिष्कार्य सर्वस्माद् द्विजकर्मणः।
जो व्यक्ति कृष्ण के शरीर को जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हैं, जो नासमझ व्यक्ति ये कहते हैं कि राम कृष्ण ने जन्म लिया और राम कृष्ण मर गए, ऐसे व्यक्ति को देखने से हम तो गंदे हो ही गए, हमारे कपड़े भी गंदे हो गए। और ऐसे आदमी का चेहरा देखकर कपड़े का शायद धड़ाम से पानी में कूद जाना चाहिए, ऐसे आदमी को देखने से पाप लगता है जो ये कहता है कृष्ण राम मर जाते। ना ना ना, मेरे राम कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, उनका तो अवतार होता है और अंतर्धान हो जाते हैं। अवतरती थी अवतार, अवतार का मतलब है उतरना, वे उतरते हैं और चले जाते हैं। और परीक्षित, कृष्ण के जाने के बाद यह समाचार तुम्हारे बाबा अर्जुन ने आकर युधिष्ठिर जी को सुनाया, पहले दिन की कथा में जुड़ रही है कथा, ध्यान देना। अर्जुन ने आकर युधिष्ठिर जी से जब यह कहा कि श्री कृष्ण चले गए तो पांडवों ने तुमको राज्य गद्दी दे दी और पांडव लोग पांचों स्वर्ग में चले गए। तकरीबन 35 वर्षों तक तुमने प्रजा का प्रशासन किया और 7 दिन पहले तुम्हें कलयुग मिला था, क्योंकि भगवान के अंतर्धान हो जाने के बाद कलयुग आरंभ हो गया। कलयुग में हजारों दुर्गुण हैं राजन, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है, कलैर दोष निधे राजन अस्ति को महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। कलयुग में हजारों दुर्गुण हैं पर एक बहुत बड़ा सदगुण है, क्या कि कलयुग के बल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में हजारों दुर्गुण हैं पर एक बहुत बड़ा सदगुण है कि केवल कृष्ण कीर्तन करने से कलयुग में व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। कलयुग के दुर्गुण और सदगुणों का व्याख्यान भगवान सुखदेव ने किया और बोले परीक्षित, 7 दिन पहले तुम्हें कलयुग मिला, तुमने देखा कि कलयुग में दुर्गुण तो हैं पर सदगुण भी है, इसलिए तुम चाहते तो उसको मार देते पर तुमने मारा नहीं, और वही कलयुग तुम्हारे माथे में घुस गया मुकुट में होके, एक शमीक नाम के ऋषि के गले में तुमने मरा हुआ सर्प डाल दिया और शमीक मुनि के बेटिया श्रृंगी ने तुम्हें शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन परीक्षित को सर्प डस देगा। तुमने बेटे जन्मेजय को राज्य गद्दी दे दी, गंगा के किनारे इस पटवृक्ष के नीचे तुम आकर बैठ गए और संजोग से 7 दिन पहले मैं भी तुम्हारी सभा में आ गया और 7 दिन की नॉन स्टॉप चलने वाली भागवत कथा में तुमने अनेकों प्रश्न किए, मैंने अनेकों तुम्हें जवाब दिए, आज 7वां ही दिन है जिस दिन तक्षक सर्प आकर तुम्हें डसेगा। तो तुमने हजारों प्रश्न किए राजन, अब एक प्रश्न तुमसे हम करना चाहते हैं। जी कर लीजिए। आप प्रश्न करेंगे? बोले हाँ। प्रश्न क्या है? कि तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जही। प्रश्न यह है कि क्या तुम मरोगे? राजा बोले हमने कभी जन्म ही नहीं लिया तो मरेंगे क्यों? बोले बस मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि को अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो, तुमने कभी जन्म नहीं लिया, तुम्हारी मौत भी कभी नहीं हो सकती। डटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्याद यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। जैसे मिट्टी के घड़े के अंदर एक आकाश होता है, उसे वेदांती भाषा में बोलते हैं घटाकाश, और घड़ा मैंने फोड़ दिया तो घटाकाश कहाँ गया? महाकाश में मिल गया। ऐसी आत्मज्ञान जिन्हें हो गया उन व्यक्तियों का शरीर रूपी घड़ा फूट जाने पर आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। सपना देखते हम कि स्वप्ने यथा शिरच्छेद पंचत्वाद्यात्मन स्वयं एवं पश्यति देहस्य तथात्मा यजो मर। जैसे सपने में हमारे सिर को कोई काट दे तो जागने पर हमें हंसी आती है, वैसे ही ये संसार एक स्वप्न है। मोहन सा जग सो बने हारा देख स्वप्न अनेक प्रकार। कोई 70 वर्ष का सपना देखता है, कोई 80 वर्ष का सपना देखता है, और कोई 100 वर्ष का देख ले सपना, तो फिर कौन सी पुस्तक है उसमें नाम लिखवाते हैं? हाँ, 144 वर्ष तक कोई आदमी जिंदा रहा
तो गिनीज बुक में उसका नाम लिखा है, इतना लंबा सपना देखा, ये सपना ही तो है। तक्षक सर्प आएगा आकर के डसेगा, लेकिन वो तुम्हें नहीं डस सकता, ये भागवत का सार है। सात दिन की कथा का सारांश ये है परीक्षित, कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, व्रथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो इन हो। प्रति श्वास बहुमूल्य है, एक भी श्वास बेकार न चला जाए ये प्रयास करो, ये चेष्टा करो। तक्षक आके शरीर को डसेगा तो मैं नहीं डस सकता। राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी के चरणों में विनम्र विनती करी। यहां सुखदेव जी का अभी पूजन हो रहा है, सुखदेव के पूजन से पहले हमारे सुरेश जी 2 मिनट समय ले रहे हैं, फिर सुखदेव जी का पूजन होगा, फिर 15-20 मिनट की कथा बाकी रहेगी। और देखो मैं बिल्कुल टाइम से चल रहा हूं, 1 मिनट ज्यादा नहीं लिया है। अभी कथा पूरी भागवत का सारांश शेष है, एक भी व्यक्ति उठेंगे नहीं, मेरा विनम्र निवेदन है। आज कथा के बाद में शोभा यात्रा में सबको मेरे साथ में चलना है, FD 11 पीतमपुरा, जहां से भागवत जी को लाए थे, वहां विशाल शोभा यात्रा अभी चलेगी। आप सब मेरे संग चलना भागवत की शोभा यात्रा में, एक एक पैर चलने से एक एक यज्ञ का फल मिलता है। गिनते जाना कितने हो गए पैर, उतने यज्ञ कन्फर्म है। बिल्कुल हम इस व्यास मंच से कह रहे हैं, आज सबको प्रसाद भी वही, सबको प्रसाद भंडारा भी वही है, वहां सब प्रसाद ग्रहण करके, और उसके पहले कोई जाना नहीं है। आज शालीमार बाग वालों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती, ये बहुत समझदार है, सब लोग समझते हैं। मैं जरा सा बोल दूं कि बैठ जाओ, सब 1 मिनट में बैठ जाते हैं। मैं कहता हूं शांति से सुनो, सक्षम ड्रॉप साइलेंस, इतनी शांति से सुनते हैं, इसलिए मैं बाहर भी बड़ाई कर देता हूं आपकी, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो यहाँ सुखदेव जी का पूजन, पहले कुछ कार्यक्रम, बिल्कुल शांति से बैठे, बोले बाल कृष्ण।